So hello everyone, welcome back to another very exciting video session from your own channel Ozone Classes. My name is Vipin Kumar Sharma and I'm your biology mentor. आज हम लोग solve करने वाले हैं chapter breathing and exchange of gases के काफी सारे NCERT based questions. इस chapter को हमने कल सुबह पढ़ा था, लेकिन कल शाम को हमने NEET application form से related और code से related video डाली थी, तो इस chapter के questions हमारे छूट गए थे. तो आज हम इस chapter को बकायदा crack करने वाले हैं. और अगर ये चैप्टर काफी जल्दी हो जाता है तो आज रात को मैं 2-3 घंटे और क्लासेस लेकर कोशिश करूंगा कि आपका बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाला चैप्टर भी मैं आज ही निपटा दूं. सो एक बार मुझे बता दो वेदर आई एम ऑडिबल एंड विजिबल और नॉट. अभी त्यागी एवी, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो वेरी मच. ऐप पे क्लास लगी हुई है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ वेदर आई एम लाइव ऑन ऐप और नॉट, सो दैट वी कुड प्रोसीड. उसके बाद हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने लग पड़ेंगे. राइट, एक बार मैं चेक कर लेता हूं. ऑल राइट, सिग्मा स्टार पीसीबी, हम लोग बायोलॉजी के ऊपर लाइव हैं. ऑल राइट, एग्जैक्टली, चलिए तो वी आर लाइव ऑन ऐप एज वेल. जो जो स्टूडेंट्स आ चुके हैं एक बार यार अपनी अटेंडेंस दे दो फटाफट. प्रिंस, चाणक्य, अंजलि, अविरूप, खुशी, रिया, दृष्टि, इशिता, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग लाइव After a long time. तो अभी हम लोग questions करने वाले हैं breathing and exchange of gases के, and I hope आपने कल ये chapter live देख लिया था. Batch वाले बच्चों ने और detail में already इस chapter को समझा हुआ है, तो आप questions के ऊपर हम लोग हमला बोल देते हैं. अगर हम NEET 2021 के student हैं और crash course ढूंढ रहे हैं, then Sigma 2.0 is for you. आप उस crash course को purchase कर सकते हैं, link description में है, ज़्यादा time आपका नहीं लूँगा. Marksup learning app आपको download करनी है, install करनी है और सारे courses आपको वहाँ मिल जाएंगे. और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है जहां पर जस्ट इस लेक्चर के बाद आपको नोट्स मिल जाएंगे जो हम पीडीएफ एनोटेटेड फॉर्म में और एनोटेटेड फॉर्म में आपको देते हैं, वो आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलती है, तो इसको भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर, प्लीज हैव अ लुक. द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम एटमोस्फेयर विद CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल इज कॉल्ड, यानी O2 और CO2 के एक्सचेंज को आप क्या कहते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, वेंटिलेशन, परफ्यूजन या ब्रीदिंग. मैंने आपको बताया था ब्रीदिंग क्या था और रेस्पिरेशन क्या था. वेंटिलेशन परफ्यूजन आर नॉट रिलेटेड टू दिस टॉपिक, जाहिर सी बात है. कंफ्यूजन हो सकती है O2 CO2 एक्सचेंज में रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में. रेस्पिरेशन मतलब इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करना और किसी फूड पार्टिकल को, किसी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को तोड़ना और उस मेटाबॉलिक रिएक्शन के दौरान CO2 जनरेट करना, दैट इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन. अगर बात एक्सचेंज की आती है तो आप इनहेलेशन एक्सहेलेशन की बात करेंगे, एटमोस्फेयर से ऑक्सीजन लेना और आपका बाय प्रोडक्ट्स का बाहर निकलना किसमें आ जाएगा, ब्रीदिंग में आ जाएगा. सभी के सभी स्टूडेंट्स का एकदम करेक्ट है, द आंसर इज गोइंग टू बी ब्रीदिंग. क्वेश्चन नंबर 2, द हार्मफुल गैस प्रोड्यूस्ड बाय कैटाबॉलिक रिएक्शन इन आवर बॉडी. अगर हमारी बॉडी में तोड़फोड़ वाले रिएक्शंस होते हैं, समझ लीजिए आपने ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ दिया है, तो कौन सी हार्मफुल गैस निकलेगी एज अ मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट. फॉस्फीन और ओजोन का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर कोई भी ऐसा रिएक्शन नहीं होता जिसमें फॉस्फीन निकलती हो जहरीली या फिर ओजोन गैस निकलती हो. ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को तोड़ने के लिए, सो इट इज रिक्वायर्ड. बनेगा क्या, मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट पूछा है, हार्मफुल भी पूछा है, तो यहां पर CO2 बनती है जो कि आपको निकालनी होती है अपनी बॉडी से बाहर, जो कि आप ब्रीदिंग के थ्रू, एक्सहेलेशन प्रोसेस के थ्रू आसानी से निकाल सकते हैं ग्रेडियंट को फॉलो करने के बाद. तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाता है बी. क्वेश्चन नंबर 3, द ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स टू ब्रेक डाउन द न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज एंड डेराइव एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज. डायरेक्टली ब्रेक डाउन करता है, इनडायरेक्टली, इनकम्प्लीटली या एनी ऑफ दीज, फटाफट बताओ यार, एनसीईआरटी की लाइन है. अब अगर आपको ये लग रहा है ये क्वेश्चन कहां से आया है, तो एक बार एनसीईआरटी के अंदर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसे पढ़िएगा, तो बताया गया है ऑक्सीजन नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड रेगुलरली एंड CO2 नीड टू बी रिमूव कंटिन्यूअसली, क्योंकि ऑक्सीजन जो है ये क्या करता है, इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन करता है न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स को, जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, और बनाता है क्या, ATP. तो क्या हो जाएगा यहां पर, इनडायरेक्टली इज द करेक्ट ऑप्शन, उत्तर हो जाएगा आपका बी. प्रश्न 4,
मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स, अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग मैकेनिज्म है ब्रीदिंग के, जो किस पर डिपेंड करते हैं, उनकी रहने की जगह पर, उनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर, या दोनों पर। नन तो देखो बकवास बात हो जाएगी। हैबिटेट, जैसे अगर कोई पानी में रहता है तो भाई गिल्स का प्रयोग करेगा, अगर कोई लैंड पे रहता है तो लंग्स का प्रयोग करेगा। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई बहुत सिंपल है जैसे स्पंजिस वगैरह है तो डायरेक्ट जनरल बॉडी सरफेस से ब्रीदिंग करेंगे, रेस्पिरेशन करेंगे। अगर हम हैं तो हमारे अंदर कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स होंगे। तो दोनों ही आपकी बातें करेक्ट है। चार का उत्तर क्या हो जाता है? सी हो जाता है। चार का उत्तर हो जाएगा सी, दोनों ही बातें करेक्ट है। पांच, इन विच ऑफ द फॉलोइंग गैशियस एक्सचेंज बिटवीन ऑक्सीजन एंड CO2 अकर्स थ्रू द एंटायर बॉडी सरफेस। पूरे बॉडी सरफेस से लोअर ऑर्गेनिजम्स में एक्सचेंज होता है गैसेस का। वो ऑर्गेनिज्म कौन से हैं? स्पंजेस यानी पॉरीफेरा, प्लेटीहेलमिंथ यानी फ्लैटवॉर्म्स, सीलेंट्रेट या सारे के सारे। जाहिर सी बात है सारे के सारे, क्योंकि ये सारे ही इनिशियल फाइलम्स में से आते हैं। चाहे स्पंजेस हो, चाहे सीलेंट्रेटा हो, चाहे टीनोफोरा हो, चाहे प्लेटीहेलमिंथ हो, इनकी बॉडी इतनी छोटी और यूजुअली बहुत ही कम सेल्स की बनी हुई होती है, जिससे कि ये आसानी से अपने जनरल बॉडी सरफेस से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज कर पाते हैं। तो आंसर वुड बी ऑल ऑफ दीज। प्रश्न 6, द टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द फॉलोइंग विच रेस्पायर्स थ्रू देयर बॉडी सरफेस। सेम क्वेश्चन है, घुमाकर पूछा है। बॉडी सरफेस के थ्रू जो लोअर ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर कर रहे थे उनको ढूंढो अब। तो देखो साइकन क्या हो जाएगा? पॉरीफेरा है, स्पंजिला पॉरीफेरा है, अडेम्सिया आपका फिर हायर लेवल पे आ जाएगा, लेकिन इट इज अ पार्ट ऑफ सीलेंट्रेटा, तो यहीं पे आ जाएगा। टीनिया सोलियम आपका प्लेटीहेलमिंथ आ जाएगा, लेक्सिफर आपका आर्थ्रोपोडा में है, पाइला आपका मोलस्का में है, एंटीडॉन दैट इज सी लिली ये भी आपका हायर लेवल पे चला गया, इकानोडर्म लेवल पे चला गया, गॉर्गोनिया दैट इज सी फैन एंड जेलीफिश ये आपका सीलेंट्रेट में आ जाएगा। तो टोटल बंदे कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑप्शन होना चाहिए। 6 का सी, 6 का सी होना चाहिए। एक बार देख लेते हैं, एकदम करेक्ट है, अभी तक की में कोई भी गलती नहीं है। 6 का सी एकदम करेक्ट है। क्या हो जाएगा? देखो ये पॉरीफेरा हो गया। लास्ट क्वेश्चन में चलो, जनरल बॉडी सरफेस से कौन कौन कर रहा था आपका रेस्पायर? स्पंजिस ढूंढने हैं, प्लेटीहेलमिंथ ढूंढने हैं, सीलेंट्रेट ढूंढने हैं। ढूंढ लो भाई, ये स्पंज हो गया, ये स्पंज हो गया, ये सीलेंट्रेट हो गया, ये सिलेंट्रेट हो गया, ये सिलेंट्रेट हो गया, एक आपका प्लेटीहेलमिंथ हो गया। टोटल 6 बंदे हमने ढूंढ लिए। लेक्सिफर यानी लैक इंसेक्ट, जो कि आपका इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट माना जाता है, जो कि आप आर्थ्रोपोडा के अंदर पढ़ते हैं, एनिमल किंगडम के अंदर लेक्सिफर लैका इसे बोला जाता है, ये तो नहीं है, ये तो आर्थ्रोपोड में आएगा। पाइला एंटीडोन आपके उससे भी हाई लेवल पे आएंगे। तीन ही कैटेगरीज ऐसी हैं जो एनसीईआरटी में दी है, उनके बंदे हमने ढूंढ लिए। 6 का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्किन सर्व एज एन एक्सेसरी ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन। मॉइस्ट स्किन किसमें है? रैबिट, फ्रॉग, लिजार्ड, बर्ड। साफ साफ है, देखकर पता लग रहा है, कुछ ढूंढना नहीं है, कहीं कंफ्यूज नहीं होना। इनमें से आपने मॉइस्ट स्किन किसकी देखी है? ये चारों ही आपने देख रखे होंगे जिंदगी में कभी ना कभी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने चारों ना देखे हो। चाहे इनकी कोई भी प्रजाति देखी हो, डजंट मैटर, हमें पता है भाई एम्फीबियन का काम रहता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करने का। फ्रॉग आपका पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी कर सकता है, क्यूटेनियस भी कर सकता है, और आपका और भी कई प्रकार के रेस्पिरेशन कर सकता है। ही हैज द पोटेंशियल टू सर्वाइव एट वैरायटी ऑफ प्लेस, क्योंकि वो एम्फीबियन है, वो पानी में भी रहता है, लैंड में भी, तो उसमें दोनों ऑर्गन्स प्रॉमिसिंगली डेवलप्ड होंगे। प्रश्न 8, मैच द फॉलोइंग, अर्थवॉर्म्स किससे करते हैं रेस्पायर? अर्थवॉर्म किससे करेंगे? मॉइस्ट क्यूटिकल से। ए का 4 हो जाएगा, ए का 4 ढूंढ लो, ए का 4 इसमें है, ए का 4 इसमें है, ए का 3 काट दो, ए का 2 काट दो, ए और डी ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। एक्वाटिक आर्थ्रोपोड और मोलस्क, एक्वाटिक बोल दिया है, पानी पानी, तो यहां पर क्या है? गिल्स हो जाएंगे, जाहिर सी बात है भाई गिल्स हो जाएंगे। तो बी का 3 हो जाएगा, बी का, अच्छा इसमें तो बी और डी का 3 दिखाया, डी क्या है? डी बर्ड रेप्टाइल मैमल है, मैमल के अंदर गिल्स नहीं होती, तो यह बात गलत हो जाएगी। यहां पर क्या है आपके? ई का 3 है, बी और ई का 3 है, ई क्या है? फिश, हाँ फिश में पाया जाएगा। 8 का बी कर पा रहे हो? 8 का बी कर पा रहे हो? सिंपल सी बात है यार, एक्वाटिक बोल दिया यानी पानी के अंदर, तो गिल्स हो गई, और फिशेस भी पानी के अंदर है तो गिल्स हो गई, तो बी और ई का हो गया गिल्स, बी और ई का हो गया 3 गिल्स। ए का 4 अर्थवॉर्म में हमने कर ही दिया था। इंसेक्ट है इसमें ट्रैकियल ट्यूब है, ट्रैकिया और स्पिरेकल्स होते हैं, और बर्ड्स रेप्टाइल मैमल्स के अंदर
ये टेरेस्ट्रियल है, इसके अंदर लंग्स होंगे। जोड़ लो, अल्टीमेटली आंसर निकल आएगा 8 का B। नो एम्फीबियन दैट इज फ्रॉग रेस्पायर थ्रू। फ्रॉग में मैंने जैसा आपको बताया था स्किन भी हो जाएगी क्यूटेनियस, बक्कोफेरेंजियल भी हो जाएगी, पल्मोनरी भी हो जाएगी, सारे के सारे हो जाएंगे। फ्रॉग बहुत ही महान आदमी है, ये कहीं भी रेस्पायर कर सकता है। तो 9 का उत्तर डी है, सिंपल क्वेश्चन है, यूजुअली ये नहीं पूछा जाता, अब बहुत पुराना हो गया क्वेश्चन, पहले बड़ा ट्रेंड में रहता था ये, एम्स जिपमर तक में भी पूछा जाता था, अब थोड़ा इसके आने की संभावना कम हो गई। द अडल्ट फ्रॉग डज नॉट रेस्पायर थ्रू। अडल्ट फ्रॉग किससे रेस्पायर नहीं करता, बक्कोफेरेंजियल कैविटी, गिल्स, स्किन या लंग्स, ये बताओ। अडल्ट फ्रॉग, बहुत अच्छे से करना है इस क्वेश्चन को, अडल्ट फ्रॉग किससे रेस्पायर नहीं करता, प्यारा क्वेश्चन है और बहुत प्यार से ना मीठा जहर है ये क्वेश्चन, सुनने में लगेगा बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे लेकिन डिफिकल्ट हो सकता है। देखो अडल्ट फ्रॉग मतलब बात किसकी हो रही है, लार्वल स्टेज की। टैडपोल कहां रहता है, टैडपोल लैंड पे नहीं आता, सिर्फ पानी में रहता है, तो टैडपोल लेवल पे किससे हो रही होगी रेस्पिरेशन, गिल्स से। लेकिन एक बार अगर फ्रॉग बाहर आ जाता है तो वापस लौट कर नहीं जाता, आसपास रहता है पानी के लेकिन बिल्कुल अंदर नहीं रहता, टैडपोल तो एकदम डूबा हुआ रहता है। तो गिल्स आपकी टैडपोल स्टेज में काम आती है, अडल्ट स्टेज में बक्कोफेरेंजियल, क्यूटेनियस और पल्मोनरी होती है, जो कि हमने 9th क्वेश्चन के अंदर देखी थी। तो उत्तर क्या हो जाएगा यहां पर, बी, 10 का बी, अभी तक सारे के सारे क्वेश्चंस और उनकी की एकदम सही है। 11, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर पैसेज, नॉस्ट्रिल से, अच्छा नॉस्ट्रिल दिया नहीं हुआ है तो फिर आपको नेजल पैसेज या नेजल कैविटी से दिया हुआ है, वहां से पकड़ो, नेजल कैविटी है, ओके ढूंढ लो आराम से मिल जाएगा। फेरिंग्स लेरिंग्स में ही दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, उत्तर क्या हो जाएगा, देखो पहले लेरिंग्स नहीं आएगी, पहले कॉमन पैसेज आएगा फेरिंग्स, फिर वो लेरिंग्स के थ्रू खुलेगा ट्रेकिया में, पहले आएगा फेरिंग्स फिर लेरिंग्स के थ्रू खुलेगा ट्रेकिया में, सीधे ही हमें बी ऑप्शन में क्लैरिटी आ गई, काम खत्म भाई, लेरिंग्स तो पहले आ ही नहीं सकता, तो सी और डी वैसे एलिमिनेट हो गए इसी लेवल पे। फिर फेरिंग्स के बाद ट्रेकिया और लेरिंग्स में झगड़ा है, लेरिंग्स के थ्रू ट्रेकिया में खुलता है, राइट, तो पहले कौन आएगा, लेरिंग्स आएगा, साउंड बॉक्स आएगा, उसके बाद ट्रेकियल सिस्टम आपका देखने को मिलेगा, तो बी ऑप्शन वुड बी करेक्ट, सिंपल सी बात है। फिर आपकी प्राइमरी ब्रोंका है, सेकेंडरी ब्रोंका है, टर्शियरी ब्रोंका है, प्राइमरी ब्रोंकियोल्स, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, देन आपके एल्वियोलाई, ये बात आपकी करेक्ट हो जाएगी। 11 का उत्तर हो जाता है बी, सभी का एकदम करेक्ट है। प्रश्न 12, इन मैमल्स वॉइस इज प्रोड्यूस्ड बाय, अभी मैंने आपको बताया था साउंड बॉक्स किसे कहा जाता है, लैरिंग्स, राइट, सिरिंग्स आपका बर्ड के अंदर होता है, ये बात आप लिख सकते हैं एनसीईआरटी में, नोट कर लीजिए ये बात जो मैं आपको बता रहा हूं, ये एनसीईआरटी में नोट कर लीजिए कि बर्ड के अंदर जहां पर लैरिंग्स लिखा हुआ है, वॉइस बॉक्स लिखा हुआ है, साउंड बॉक्स लिखा हुआ है, उसके बगल में लिख लीजिए सिरिंग्स इज द वॉइस बॉक्स ऑफ बर्ड, ठीक है, सिरिंग्स इज द वॉइस बॉक्स ऑफ बर्ड, ये बात एक बार नोट कर लीजिए, नोट करते ही मुझे थम्स अप दे दीजिए जिससे हम लोग आगे बढ़ पाए। आज किसी का यार बहुत भयंकर हंस रहा है भाई, बारिश आ रही है, ना एसी चल रहा है ना कुछ और, लाइट भी नहीं है, तो अगर बीच में इन्वर्टर पीपीपीपी करके बोल जाए, एकदम ईसी जीसी चल जाए अगर, तो समझ जाना भैया कि लाइट जा चुकी है, फिर हम बाद में कंटिन्यू करेंगे जब भी लाइट आएगी तब, ठीक है। आज 4-5 घंटे से बारिश हो रही है, लाइट वाइट है नहीं, बट क्योंकि मैंने क्लास लगा दी थी, इट बिकम्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि टाइम पर पहुंचा जाए। चलो सबने नोट कर लिया, बहुत बढ़िया। प्रश्न 13, वोकल कॉर्ड्स अकर इन, वोकल कॉर्ड कहां पाई जाती हैं, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ग्लॉटिस, ब्रैंकियल ट्यूब, वही आपकी सेम क्वेश्चन की रिपीटेशन हुई है कि आपकी आवाज कौन प्रोड्यूस करता है, वोकल कॉर्ड मतलब वोकल आपको कौन बनाता है, आवाज कहां से आती है, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ग्लॉटिस या ब्रैंकियल ट्यूब, जाहिर सी बात है डरने की जरूरत है ही नहीं भाई, साउंड कहां से आएगा, वोकल कॉर्ड कहां होंगी, साउंड कहां प्रोड्यूस होगा, लैरिंग्स के अंदर, साउंड बॉक्स के अंदर, वॉइस बॉक्स के अंदर, उत्तर हो जाएगा बी, राइट। चल प्रश्न 14, ट्रेकिया डिवाइड इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंका एट डैश थोरेसिक वर्टिब्रा, ये मैंने आपको बताया था कि मिड ऑफ थोरेसिक वर्टिब्रा पे यानी लगभग 5th थोरेसिक्स पे T5 पे डिवाइड हो जाता है ट्रेकिया इनटू प्राइमरी एंड मतलब राइट प्राइमरी एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंका, उसके बाद फिर फर्दर आपके सेकेंडरी ब्रोंका बनने लग जाते हैं, टर्शियरी ब्रोंका है, देन ब्रोंकियोल्स और सो, लेकिन T5 के ऊपर 5th थोरेसिक वर्टिब्रा के ऊपर डिवीजन हो जाती है, दो में बट जाता है,
इस लेवल पे, ये लेवल क्या था, T5 था, ठीक है। 14 का उत्तर हो जाता है बी। 15, द ओपनिंग ऑफ लेरिंग्स इनटू फेरिंग्स इज गार्डेड बाय, यानी लेरिंग्स में जब ओपन होगा फेरिंग्स तो इसकी ओपनिंग को कौन गार्ड करेगा। लेरिंग्स के जस्ट ऊपर क्या प्रेजेंट थी, ओपनिंग वॉज ग्लॉटिस, राइट, तो उसको गार्ड कौन करता है, ग्लॉटिस के ऊपर कौन बैठता है, महाराजा बनके, जो कि फूड को फूड पाइप में रखता है, विंड पाइप में नहीं आने देता ड्यूरिंग स्वेलोइंग और डिग्लूटेशन। ग्लॉटिस के ऊपर कौन बैठ रहा था, मैंने आपको बताया कि ये अगर आपका फेरिंग्स है तो ये फेरिंग्स आपका इस लेरिंग्स में ओपन होता है, यहां पर ये जो ओपनिंग है इसे क्या बोले, ग्लॉटिस, राइट। लेकिन इस ग्लॉटिस के ऊपर एक कार्टिलेज, एक फ्लैप प्रेजेंट है, कार्टिलेजनस फ्लैप, जिसको क्या बोले, एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस। और नीचे आ जाएगा आपका लेरिंग्स, ऊपर आ जाएगा आपका फेरिंग्स। तो कौन करता है ओपनिंग को गार्ड, एपिग्लॉटिस करता है, राइट। यही आपके फूड को फूड पाइप में रखेगा, विंड पाइप में आने से रोकेगा, अदरवाइज विंड पाइप चोक हो गई, थोड़ा सा भी फूड अगर एंटर कर गया तो खाते खाते इतनी जोर की खांसी आएगी कि ऐसा लगेगा कि भैया फेफड़े ही बाहर निकल जाएंगे। ग्लॉटिस इज अ पैसेज फॉर, ग्लॉटिस किस चीज के पैसेज का पार्ट है, फूड एयर बोथ नन, ग्लॉटिस किस चीज का पार्ट है, फूड एयर बोथ नन। ओके, काफी लोग बोथ कर रहे हैं, बोथ एक बहुत ही चिकना ऑप्शन है, राइट, बोथ एक चिकना ऑप्शन है, ऑल उससे भी ज्यादा चिकना है, यहां लोग फिसलते हैं। अगर आपको 75% भीड़ को अलग करना है तो ऑल डाल दो, कुछ भी करके ऑल डाल दो, राइट। निम्नलिखित में से कौन सा तेल है, डाबर, उसके बाद में डाल दो च्यवनप्राश, हिंगोली और ऑल, आधे बच्चे तो उसमें भी ऑल कर देंगे कि हाँ भाई डाबर का तेल है, उसके बाद क्या है, च्यवनप्राश है, हिंगोली है, लेकिन हाँ ऑल फिर भी हो सकता है। ऑल सुन के मन तो करता ही है भाई, उसकी तरह पेन खुद भरता है स्पॉन्टेनियसली, ये हमारा रिफ्लेक्स एक्शन है, ऑल बोथ देखा, पेन चल पड़ा अपनी राहों पर, तो उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन पढ़ लेना है कि सवाल क्या है। ग्लॉटिस, जैसा मैंने आपको बताया अभी लास्ट में, देखो ग्लॉटिस भैया इसको लैरिंग्स में डाल रहा है, और उसके बाद आप कहां पहुंचोगे, टू ट्रेकिया पहुंचोगे। क्या ट्रेकिया फूड पाइप का पार्ट है, वो तो ईसोफेगस है ना, ट्रेकिया तो आपका विंड पाइप है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहां पर आंसर हो जाएगा एयर, राइट। हमने क्या देखा था, जब हमने डाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ा था, एपिग्लॉटिस इसे अंदर एंटर करने ही नहीं देता, तो एपिग्लॉटिस ने एंटर नहीं करने दिया, तो क्या ग्लॉटिस पड़ेगा हमारे फूड के रास्ते में, कभी नहीं पड़ेगा, एपिग्लॉटिस इसे ग्लॉटिस तक पहुंचने ही नहीं देगा, पहले इसे ईसोफेगस में मोड़ देगा। तो क्या ग्लॉटिस फूड के रास्ते में आया, कभी नहीं आया, राइट। तो ये फूड का नहीं हो सकता, ये है बात छोटी सी, बात समझ में आ गई अच्छे से, राइट, अच्छे से बात समझ में आ गई कि आपका बी आंसर कैसे आया, वेरी सिंपल। प्रश्न 17, ग्लॉटिस इज एन ओपनिंग इन द फ्लोर ऑफ, किस चीज के फ्लोर में ये ओपनिंग है, माउथ, ट्रेकिया, फेरिंग्स या डायफ्राम, किस चीज के फ्लोर की ओपनिंग है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन है। काफी लोगों ने उत्तर कर दिया है 17 का बी, और कुछ लोगों ने किया है सी, एक बार देख लेते हैं। यहां पर देखो भाई, इस डायग्राम के अंदर आपका फेरिंग्स जो है, अगर फेरिंग्स के पास फ्लोर और रूफ होती तो ये फेरिंग्स का सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है ये फेरिंग्स की छत होता, और ये जो सबसे लोअर पार्ट है जो आपका यहां तक आ रहा है ये इसकी क्या होती, फ्लोर होती। और यहां पर अगर आप देख रहे हो तो ट्रेकिया इसके नीचे आ रहा है, ये ट्रेकिया की छत है, फ्लोर नहीं है, ट्रेकिया तो बहुत लंबा है, इसका फ्लोर तो काफी नीचे मिलेगा। तो किसके फ्लोर के साथ कॉन्टेक्ट में है आपका ग्लॉटिस, देख लो, एक तो फ्लोर यहां पर है ट्रेकिया का, एक फ्लोर यहां है फेरिंग्स का, बताओ किसके साथ कॉन्टेक्ट में है, समझ पा रहे हो सवाल को, फ्लोर पूछा था। तो आंसर किससे आएगा, आंसर कंसेप्ट से नहीं आएगा, आंसर यहां से आएगा, फ्लोर वर्ड से आएगा, मैंने एक ही वर्ड को हाईलाइट किया है इस पूरे क्वेश्चन में, वो है फ्लोर, कि ग्लॉटिस किसके फ्लोर पे खुल रहा है, फ्लोर किसका आ रहा है, नीचे फेरिंग्स का, ट्रेकिया का फ्लोर तो बहुत ही नीचे आएगा, जहां पर वो डिवाइड करेगा वहां पर, लोअर पार्ट को फ्लोर बोलते हो ना, छत ऊपर रहती है, तो ये तो ट्रेकिया की छत से कनेक्टेड है, फ्लोर किसका कनेक्टेड है, फेरिंग्स का, बात समझ में आई, आई होप बात समझ में आ गई होगी।
भाई लॉजिक है, वापस बताना है दर्शना, एक सेकेंड अभी बताता हूँ। देखो यार, ये है जमीन किसी भी चीज की, ये है आसमान, राइट। अगर ये आपका ट्रेकिया है तो ट्रेकिया के पास ग्लॉटिस यहां प्रेजेंट होगा ना, तो ट्रेकिया के आसमान से एसोसिएटेड है ग्लॉटिस, जमीन से नहीं। हमें फ्लोर पूछा है, फ्लोर किसका आ रहा है यहां पर, इससे पहले जो ऑर्गन था फेरिंग्स, इसका जमीन यहां पर है, इसका आसमान यहां पर है, इसकी जमीन आ रही है, इसका फ्लोर आ रहा है, फ्लोर ऑफ ट्रेकिया। बात समझ में आई, फ्लोर ऑफ फेरिंग्स, सॉरी। अब आई बात समझ में, ये चिकना क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा कंसेप्चुअली चीजों को समझना पड़ेगा लॉजिक लगा करके, क्योंकि फ्लोर जो है ये यूजुअली कोई नहीं पढ़ेगा सीधा, हाँ भाई लोग मार देंगे कि ग्लॉटिस ट्रेकिया में लीड करता है, काम खत्म, ठीक है। चलो प्रश्न 18, द लंग्स आर प्रोटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ, लंग्स को कौन प्रोटेक्ट करता है, रिब्स, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम, ऑल ऑफ दीज। लंग्स को कौन प्रोटेक्ट करता है, द आंसर इज डी। हमने क्या बोला, जो थोरेसिक कैविटी है, जो थोरेसिक चैम्बर है, वो एयर टाइट चैम्बर है, आगे से स्टर्नम ने घेरा हुआ है, पीछे से वर्टिब्रल कॉलम ने घेरा हुआ है, साइड से रिब ने घेरा हुआ है, नीचे से डायफ्राम ने घेरा हुआ है, ऊपर से वैसे ही आपकी इलाका कम है तो बाहर नहीं निकल सकता पल्मोनरी एरिया आपका, अल्टीमेटली इट इज एयर टाइट, इट इज अ पैक्ड चैम्बर। तो लंग्स आपका किस चीज से प्रोटेक्टेड है, आपका इन सारी चीजों से, जो कि इसे क्या बनाते हैं, एयर टाइट बनाते हैं। प्रश्न 19, विच वन हैज द स्मॉलेस्ट डायमीटर, इनमें से किसका डायमीटर सबसे पतली नलकी कौन सी है, राइट ब्रोंकाय, लेफ्ट ब्रोंकाय, सेकेंडरी ब्रोंकियोल या रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, फटाफट बताओ। राइट, फटाफट बताओ। एक कॉल आ रहा है मेरा, मैं एक बार उसको काट देता हूं। ओके, आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्या आ रहा है सब लोगों का, प्रणॉय सेइंग सी, प्रत्युषा, नफीस सेइंग डी, एक बार चेक कर लेते हैं। स्मॉलेस्ट बोला है, सबसे पतली ललकी, यहां पर देखो ये आपका ट्रेकिया है, ट्रेकिया किसमें कन्वर्ट हो गया आपका, यहां पर बाइफरकेट हो गया आपका, प्राइमरी राइट ब्रोंकस, प्राइमरी लेफ्ट ब्रोंकस, फिर आपका सेकेंडरी ब्रोंकस या सेकेंडरी ब्रोंका है, फिर टर्शरी, फिर आपका यहां पर देखो ब्रोंकियोल आ गया, इनिशियल ब्रोंकियोल, फिर आपके रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल मतलब टर्मिनल ब्रोंकियोल। सबसे पतला कौन सा होगा, क्या ये वाला सबसे पतला होगा या ये वाला सबसे पतला होगा, बताओ मेरे भाई, ये वाला सबसे पतला होगा या ये वाला सबसे पतला होगा। आंसर साफ है, ब्रोंकियोल सबसे पतला होगा ना, ब्रोंकियोल सबसे पतला होगा। ओके, दृष्टि क्या ये डाउट मैं थोड़ा बाद में ले सकता हूँ या फिर अगर अभी जानना है तो मैं थोड़ा आपको आइडिया दे देता हूँ। काफी बार कई लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम जो होती है तो एक पाइप इंसर्ट किया जाता है डायरेक्टली इनटू ट्रेकिया जिससे एयर लीड करी जाती है, जिससे पेशेंट को ऑक्सीजन टाइमली मिलता रहे। कई बार चीजें कोलैप्स हो जाती हैं पाइप्स वगैरह इन एक्सीडेंटल केसेस, उसमें जो पेशेंट है उसको ऑक्सीजन की कमी ना हो, दैट्स व्हाई अ पाइप इज इंसर्टेड डायरेक्टली इन द ट्रेकिया, राइट। आई होप इट इज क्लियर, इसमें थोड़ा बहुत डाउट है तो हम डिटेल में इसको देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके, मालवी माइंड मैप ऐप पर भी आएगा, ऑब्वियसली ऐप पर भी आएगा, राइट। चलिए, तो यहां पर ब्रोंकियोल का कम होगा डायमीटर और इसका ज्यादा होगा प्राइमरी ब्रोंकाई का, जाहिर सी बात है। 20, लाइनिंग ऑफ ट्रेकिया इज मेड ऑफ, ट्रेकिया की लाइनिंग किसकी बनी हुई होती है, लाइनिंग की बात की जा रही है, सिंपल स्क्वैमस, सिंपल क्यूबॉइडल, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड या स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, फटाफट बताओ। राइट, फटाफट बताओ। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सबका पढ़ा हुआ है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर में, टिश्यू वाली जगह पर आपको बताया हुआ है दैट इट इज स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, और ट्रेकिया की लाइनिंग जो है इट कंटेन्स सिलिया एज वेल, जो कि डस्ट पार्टिकल्स को म्यूकस में कोट करके कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सिलिया से स्नीजिंग के थ्रू बाहर निकाल देती है। इसके बारे में भी हमने बात की थी, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं डबल स्टार मार्क कर दे रहा हूं। यहां पर लाइनिंग ऑफ ट्रेकिया स्टूडो सर्टिफाइड, ये दो चैप्टर में क्वेश्चन आता है, यहां पर भी आता है और आपका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में भी आता है।
तो सूडो स्ट्रेटिफिकेशन को यहां पर पढ़ना है, और सिलिया ऑब्वियसली है ही, वो फेलोपियन ट्यूब और ट्रेकिया वाला क्वेश्चन रखा ही रहता है पेपर में, कभी भी पूछा जा सकता है, यू नीड टू बी रेडी फॉर दैट। प्रश्न 21, ईच टर्मिनल ब्रोंकियोल गिव राइज टू अ नंबर ऑफ थिन इरेगुलर, पतले हैं, इरेगुलर हैं, उनकी वॉल वस्कुलराइज है, बैग लाइक स्ट्रक्चर। सीधा सीधा आंसर पता लग गया, किसकी बात हो रही है, एल्वियोलाई की बात हो रही है, राइट। जो आपके टर्मिनल ब्रोंकियोल हैं किसमें खुलेंगे, ये अब एल्वियोलर डक्ट के थ्रू एल्वियोलाई में खुलेंगे, जो कि मेन साइट है एक्सचेंज की, राइट। तो कंडक्टिंग पार्ट अब खत्म हो जाता है और एक्सचेंज पार्ट जो है ये आपका स्टार्ट हो जाता है। तो एल्वियोलाई एक्सचेंज में काम करता है, यहीं पर CO2O2 में एक्सचेंज आपको देखने को मिलता है बेस्ड ऑन द ग्रेडियंट्स। 22, एपिग्लॉटिस इज मेड अप ऑफ, एपिग्लॉटिस किसका बनेगा, फाइब्रस कार्टिलेज, हाइलीन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज या कैल्सिफाइड कार्टिलेज। वेरी इंपॉर्टेंट, और यह बात आपको एनसीईआरटी में नोट करनी है, एपिग्लॉटिस यानी ग्लॉटिस के ऊपर का पार्ट किस प्रकार की कार्टिलेज का बनता है। इट इज अ कार्टिलेजनस फ्लैप, लेकिन फ्लैप किसके बनते हैं, फ्लैप किसके बनते हैं, इलास्टिक कार्टिलेज के बनते हैं, राइट, इलास्टिक कार्टिलेज के बनते हैं। इसे हमें बहुत स्ट्रांग नहीं बनाना, हम कैल्शियम ऐड नहीं करते हैं, फाइबर्स ऐड नहीं करते हैं स्ट्रांग बनाने के लिए। हाइलीन कार्टिलेज मतलब ग्लास लाइक कार्टिलेज, ये भी हम लोग यहां पर इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम चाहते हैं कि फ्लैप हमारा फ्लेक्सिबल हो, और उस फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हमें रिजिडिटी नहीं चाहिए, राइट। फ्लेक्सिबिलिटी किससे आएगी, क्या कैल्शियम फ्लेक्सिबिलिटी देता है, क्या फाइबर फ्लेक्सिबिलिटी देता है, नहीं, ये स्ट्रेंथ देते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी कहां से आएगी, इलास्टिक से, तो क्या हो जाएगा, इलास्टिक कार्टिलेज लगेगी। ये चीज एनसीईआरटी में फटाफट इसी चैप्टर में नोट कीजिए, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में आपको मिल जाएगी, लेकिन यहां पर अलग से नोट करिए एक बार, और उसके बाद अपडेट करिए फटाफट, राइट। ये इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई इट यूज्ड टू कम अगेन एंड अगेन। इस बात को जितनी बार लिख सकते हो लिखो, कुछ चीजें एनसीईआरटी में रिवाइज करते टाइम छूट जाती है, ये बात उनमें से ही एक है, तो इसको अलग से भी लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफी बातें रिवाइज भी हो जाए, रिपीट भी हो जाए एनसीईआरटी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मल्टीपल चीजें जो बार 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 पूछी जाती है उनको अलग से भी लिखो, जिससे रिविजन के टाइम पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ना छूटे। 23, कवरिंग ऑफ लंग्स इज कॉल्ड पेरिकॉन्ड्रियम, पेरिकार्डियम, प्लूरल मेम्ब्रेन, पेरिटोनियम। क्या होता है, लंग की कवरिंग को क्या कहा जाता है, प्लूरा कहा जाता है, राइट। ऊपर पराइटल प्लूरा थी, अंदर विसरल प्लूरा थी, बीच में भरा हुआ था प्लूरल फ्लूइड, तो तीनों चीजें किसकी तरफ इशारा करती हैं, प्लूरा, प्लूरा वर्ड यहां पर आ रहा है। पराइटल बाहर वाली लेयर, अंदर वाली विसरल, और बीच में भरा हुआ है फ्लूइड, जिसको क्या बोला, प्लूरल फ्लूइड, ठीक है, प्लूरल मेम्ब्रेन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 24, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज डबल लेयर एंड कवर द लंग्स। किसकी बात हो रही है, नीचे देख लो, प्लूरा की बात हो रही है, पहले में ही खत्म हो गया काम, पेरिकार्डियम, पेरिकॉन्ड्रियम, पेरिटोनियम पहले हट गए, फिर भी देख लो, आउटर लेयर आपकी थोरेक्सिक वॉल के साथ कॉन्टेक्ट में होती है, अलग अलग ऑर्गन के साथ, फ्लूइड इनके बीच में प्रेजेंट होता है, प्लूरल फ्लूइड, इनर लेयर लंग के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होती है, वही बात है यार, प्लूरा ही आंसर आना था, एक ही ऑप्शन से डायरेक्टली पकड़ में आ गई थी चीजें, क्योंकि इसमें कंफ्यूजिंग ऑप्शन नहीं है, राइट, यहां पर बहुत दूर दूर के ऑप्शन है, सही आपका एक ही है, यानी इनमें से कौन सी चीज खाने की है। तीन आपको सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स के नाम दे रखे हैं, अर्थ, वीनस, मर्क्यूरी, आखिरी में दे रखा है च्यवनप्राश, तो वही करोगे ना, जाहिर सी बात है, प्लूरा तो अभी हम करके हटे हैं, और बची हुई चीजों को हम इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं, तो पहली स्टेटमेंट से ही हमें पता लग गया था आंसर प्लूरा है, तो इन चीजों में कॉन्फिडेंट भी रहना है। प्रश्न 25, द पार्ट स्टार्टिंग विद एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल टू टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलस नहीं आए इसमें, टर्मिनल ब्रोंकियोल तक का हिस्सा है, ये क्या कंस्टिट्यूट करते हैं, रेस्पिरेटरी पार्ट, एक्सचेंज पार्ट, एक्सपिरेटरी पार्ट या कंडक्टिंग पार्ट। देखो एल्वियोलस और उसकी डक्ट जो है वो तो रेस्पिरेटरी या एक्सचेंज पार्ट कहलाती है, ये जो श्वास नली है जो कि पहुंचाती है एल्वियोलस तक हवा, उसे क्या कहा जाता है, ये तो वो रास्ता है जहां से हवा पहुंचेगी एक्सचेंज पार्ट तक, तो ये क्या है, कंडक्शन पाथवे है, इसे कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आपके क्वेश्चन 25 का, राइट। प्रश्न 26, रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट इज कंसिस्ट ऑफ, जैसा मैंने आपको बताया था आपका जो कंडक्टिंग पार्ट है उसके बाद सिर्फ एल्वियोलाय और उसकी डक्ट बचती है, तो एल्वियोलाय और उसकी डक्ट बचती है यही बनाती है आपका रेस्पिरेटरी और
एक्सचेंज पार्ट बचे हुए इनको दोनों को छोड़कर सारा का सारा आपका कंडक्टिंग सिस्टम है। ये बात मैंने आपको कल ही लेक्चर में बताई थी। 26 का डी करेक्ट हो जाता है। 27 द साइट ऑफ गैशियस एक्सचेंज एक्चुअल गैशियस एक्सचेंज कहां होता है? ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, प्लूरा या एल्वियोलाई? एल्वियोलाई थिन है, वस्क्यूलर है, इरेगुलर वॉल्ड है, कैपिलरी नेटवर्क अबंडेंट है। कहां होगा ये काम? एल्वियोलाई के अंदर ही होगा। 27 का उत्तर हो जाता है ए, सिंपल क्वेश्चन। प्लूरा इज अ डबल मेम्ब्रेन सैक विच एनवेलप्स, प्लूरा किसको एनवेलप करता है? लंग्स को। अब ये बात बार बार नहीं करेंगे बिकॉज ये क्वेश्चन दो बार आ चुका है। किडनी को नहीं करता, ब्रेन को नहीं करता, नेजल पैसेज को नहीं करता, लंग्स को कवर करती है पेराइटल और विसरल प्लूरा एनक्लोजिंग प्लूरल फ्लूइड इन बिटवीन देम। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस ऑफ कंडक्टिंग पार्ट? कंडक्टिंग पार्ट के काफी फंक्शन थे, वो फंक्शंस क्या क्या थे ये बताना है। रिमूवल करता है फॉरेन पार्टिकल का, ह्यूमिडिफाई करता है एयर को, टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जितना मेंटेन करके लाता है, या ऑल ऑफ दीज? सारे के सारे ही काम थे। ये एयर को ह्यूमिडिफाई करता है, उसका टेम्परेचर रेगुलेट करता है, कोई डस्ट पार्टिकल हो, कोई फॉरेन पैथोजन हो तो उसको भगा देता है सिलिएटेड एपिथिलियम की मदद से, और आपका हवा तो कंडक्ट करके ले जाता है एल्वियोलस तक। ये चार काम आपके कंडक्टिंग पाथवे के थे। 30 डैश इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड एटमोस्फेयर। एक्चुअल डिफ्यूजन की साइट कौन सी है, यानी एक्सचेंज पार्ट कौन सा है? ब्रोंका है, ब्रोंकियोल, टर्मिनल ब्रोंकियोल या एल्वियोलाय? हलवा है यार क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन अभी आया हुआ था, एल्वियोलाय, सिंपल सी बात है। इसके अलावा हो ही कौन सकता है? डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट आंसर 30 का एल्वियोलाय। एक्सचेंज पार्ट वाला क्वेश्चन ही लैंग्वेज बदल करके, भेष बदल करके पूछा हुआ है, राइट? तो कंडक्टिंग पार्ट को एलिमिनेट कर दो, एक्सचेंज पार्ट आंसर हो जाए। Even when air being absent, the human trachea does not collapse due to the presence of, यानी human trachea collapse नहीं होता अगर हवा बहुत ज्यादा हो जाए या हवा कम है तो भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर bony rings हैं, turgid pressure है, cartilaginous rings हैं, cartilaginous ring है। हलवा question है। इसके ऊपर इस प्रकार की, अगर ये आपका trachea है, इसके ऊपर इस प्रकार की incomplete C-shape rings थी, राइट? ग्लास लाइक रिंग्स थी, कौन सी? कार्टिलेज की बनी, राइट? तो कार्टिलेजनस रिंग्स की वजह से, और सिर्फ ट्रेकिया में नहीं थी, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो प्राइमरी ब्रोंकाई में भी थी, सेकेंडरी ब्रोंकाई में भी थी, टर्शरी ब्रोंकाई में भी थी, इनिशियल ब्रोंकियोल्स के अंदर भी थी, बहुत दूर तक जाता है यह सिलसिला। उसके बाद जिनका साइज बहुत छोटा हो जाता है ना, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स वगैरह, एल्वियोलर डक्ट वगैरह, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, जिनका साइज बहुत छोटा है, मैंने आपको समझाया था छोटी पेंसिल नहीं टूटती, बड़ी पेंसिल टूटती है, तो कोई चीज छोटी है वो वैसे भी कोलैप्स नहीं होगी। सो दैट्स व्हाई इनके इनिशियल पार्ट्स के अंदर ही कार्टिलेजनस रिंग्स पाई जाती हैं। 31 का आंसर हो जाता है डी। 32 द चैम्बर फॉर्म डोर्सली बाय वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली बाय स्टर्नम, लिटरली बाय रिब्स और लोअर साइड में डोम शेप डायफ्राम इज। एक ऐसा चैम्बर जिसके आगे स्टर्नम है, पीछे वर्टिब्रल कॉलम है, नीचे डायफ्राम है, आगे रिब्स है, लिटरली उसे क्या बोलते हैं? एब्डोमिनल चैम्बर, पेल्विक चैम्बर, क्रेनियल चैम्बर, थोरेसिक चैम्बर। बहुत इजी है। क्या ये आपके एब्डोमिनल पार्ट्स हैं? क्या ये आपके पेल्विस के पार्ट है? नहीं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पेल्विक रीजन में होते हैं। क्या इतना नीचे हमारा रिब? नहीं। क्या एब्डोमिनल पार्ट में है? क्या पेट के पास है? नहीं। ऊपर है थोरेसिक चैम्बर में, थोरेक्स रीजन में। क्रेनियल चैम्बर सर के पास है, वहां भी नहीं है। तो ये सारी चीजें हमें थोरेसिक चैम्बर की तरफ ले जा रही हैं। जब थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम हम फ्लक्चुएट करेंगे तभी प्लूरल वॉल्यूम भी फ्लक्चुएट किया जाएगा। प्लूरल वॉल्यूम को डायरेक्टली ऑल्टर नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई हम लोग क्या करते हैं, थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ाने या घटाने की कोशिश करते हैं। उत्तर आ जाएगा डी। 33 प्लीज सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। प्लूरल फ्लूइड रिड्यूसेस फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस। हर फ्लूइड का यही काम है, एब्रेशन से बचाना, फ्रिक्शन से बचाना, प्रोटेक्शन करना। Anatomical setup of lungs in thorax is such that any change in volume of the thoracic cavity will be reflected in the pulmonary cavity. Such arrangement is essential for breathing as we cannot directly alter the pulmonary volume. अभी बताकर हटा था, सही बात है एकदम। The trachea, primary, secondary, tertiary bronchi, initial bronchioles are supported by complete cartilaginous ring. ये लोचा हो गया भाई, ये लोचा हो गया। Incomplete cartilaginous rings आना चाहिए। C आपका उत्तर है, इसमें हम sure हैं। लेकिन डी पढ़ेंगे जरूर।
ड्यूरिंग स्वेलोइंग ग्लॉटिस कैन बी कवर्ड बाय थिन इलास्टिक कार्टिलेजनस फ्लैप एपिग्लॉटिस, जो कि फूड की एंट्री को रोकता है लैरिंग्स में जाने से। सही बात है। उत्तर क्या जाएगा 33 का सी, बात समझ में आई। इनकम्प्लीट सी शेप रिंग होती है दोस्त, कंप्लीट नहीं होती। इजी क्वेश्चन था लेकिन अच्छे ऑप्शन यहां पर फ्रेम किए हुए थे। प्रश्न 34, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन सांस लेने के दौरान डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स, नहीं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल और डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ओके तो यही ढूंढ लो, डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल कॉन्ट्रैक्ट। 34 का सी मिल गया, काम खत्म। और जब ये रिलैक्स करेंगे उस टाइम पर क्या हो जाएगा, एक्सपिरेशन हो जाएगी। तो रिलैक्स हमें पता था, यहां पर ये सारी बातें सही हैं, सिर्फ रिलैक्स का कॉन्ट्रैक्ट ढूंढना है, हमने वही किया बिना वक्त बर्बाद किए, हमें मिल गया उत्तर आपका एकदम करेक्ट है। प्रश्न 35, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन सांस लेने के दौरान द डायफ्राम बिकम्स डोम शेप, रिलैक्स हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट और फ्लैट हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है, नो चेंज। इंस्पिरेशन के दौरान डायफ्राम में क्या चेंज आते हैं, यानी इंस्पिरेशन कब होगी? देखो ये आपका लंग है और ये आपका डायफ्राम है, ये आपका कर्व्ड प्रेजेंट है, ये आपका लंग है, अब ये हो गया फ्लैट, नीचे आ गया डायफ्राम इस पोजीशन के ऊपर, यानी छोटा हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, क्योंकि सबसे छोटी पोजीशन है स्ट्रेट लाइन, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ी, पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ी, पल्मोनरी प्रेशर कम, अगर यहां पर प्रेशर कम तो यहां पर प्रेशर ज्यादा, हवा का मूव करेगी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यानी इंस्पिरेशन सांस ले लोगे, तो इंस्पिरेशन के टाइम पे डायफ्राम का क्या चक्कर रहा, कॉन्ट्रैक्टेड रहा, फ्लैट रहा। बात समझ में आ गई, रिलेट कर पा रहे हो? 35 का उत्तर हो जाएगा बी, राइट। डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर, अगर बहुत अच्छे से हमने पढ़ रखा है तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, लेकिन वो तो अभी हम समझ रहे हैं, अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैंने थोड़ा यहां पर इलैबोरेट कर दिया, अदरवाइज हमारा पढ़ा हुआ है चुटकियों में निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रश्न 36, एक्सपिरेशन इन्वॉल्व्स, इंस्पिरेशन का उल्टा कर दो, कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी डायफ्राम की, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स की, यहां पर उल्टा कर दो, रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन 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 गलत कर दो, 36 का आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। बात समझ में आई, जाहिर सी बात है ना, कॉन्ट्रैक्शन से तो इंस्पिरेशन हो रही थी, तो एक्सपिरेशन से क्या होगा, रिलैक्सेशन। तो जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स आपके कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, डायफ्राम जो आपका कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, वो अब रिलैक्स कर पड़ेगा, अल्टीमेटली एक्सपिरेशन हो जाए, डन। प्रश्न 37, विच टू ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस ए टू डी यूजुअली टेंड टू अकर इन प्लेन ड्वेलर्स व्हेन दे मूव टू मच हायर एल्टीट्यूड्स 3500 मीटर और मोर, यानी अगर आप बहुत हाई एल्टीट्यूड पे चले गए हो, किसी पहाड़ी इलाके पे चले गए हो, तो आपके अंदर कौन से दो चेंजेस होंगे, इंक्रीज इन रेड ब्लड सेल साइज, साइज नहीं बढ़ता, इंक्रीज इन आरबीसी प्रोडक्शन, नंबर बढ़ता है, इंक्रीज इन ब्रीदिंग रेट, ओके ब्रीदिंग रेट बढ़ता है, इंक्रीज इन थ्रोम्बोसाइट काउंट, प्लेटलेट बढ़ाकर कुछ नहीं उखाड़ना है, हमें सिर्फ ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए आरबीसी चाहिए, क्योंकि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है। उत्तर क्या आ जाएगा, उत्तर क्या आ जाएगा, सिर्फ ये दोनों करेक्ट है, तो उत्तर क्या आ जाएगा, 2 and 3, बोथ 2 and 3, 1 तो जहां पे आ रहा है उसको सीधा एलिमिनेट कर दो, तो 2 वैसे ही निकल जाएंगे, यहां पर 3 and 4 है, 2 हमें पता है करेक्ट है, यहां पर 2 नहीं है तो गलती हो जाएगी, यहां पर 2 नहीं दे रखा, एलिमिनेशन से भी कर सकते थे, हो जाता आराम से, राइट। उत्तर क्या निकल जाएगा आपका, डी निकल जाएगा। 38, इन एल्वियोलर एयर द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज, एल्वियोलाई जहां पर ऑक्सीजन भरा हुआ है, एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन कितना होता है, 104, और कोई भी चीज अगर कम है तो कितनी है उसकी वैल्यू, झटपट बताओ, ट्रिक लगा दो, सीधी सी बात है, कोई भी चीज कम है, एल्वियोलाई में CO2 कम है, कोई भी चीज कम है तो कितनी होगी उसकी वैल्यू, 40, कोई भी चीज कहीं भी कम है उसकी वैल्यू 40, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 कम 40 वैल्यू, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में O2 कम 40 वैल्यू, टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन कम 40 वैल्यू, एल्वियोलाई के अंदर CO2 कम 40 वैल्यू, याद करना ही नहीं है, याद तो करना ही नहीं है कहीं पर, 40 mmHg देखो सीधा मार दो, डिपेंडिंग अपॉन आपको पता है कि वो कम है या ज्यादा, राइट। AA डॉट वाली ट्रिक से सीधा याद हो जाएगा, कोई दिक्कत है ही नहीं, मैं पर्सनली इस ट्रिक को यूज करता हूं, आज तक कभी फेल नहीं हुई, क्योंकि एनसीईआरटी का डेटा याद किया हुआ और कॉन्स्टेंट वैल्यू है, तो फ्लक्चुएशन का कोई सवाल पैदा नहीं होता। एक 4 नंबर का क्वेश्चन हमने ट्रिक से कर दिया, और वो भी 3-4 सेकंड के अंदर, महज गोला वोला भर के सब, राइट, और वो भी श्योरिटी के साथ, खुशी खुशी।
अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन प्रॉपरली, अरेंज करो कि क्या हो रहा है। ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमोस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस O2 CO2 एल्वियोलर मेम्ब्रेन में आने के बाद वहां से एक्सचेंज हुई, ब्लड के थ्रू ट्रेवल कर रही हैं, O2 CO2 ब्लड से टिश्यूज के बीच में एक्सचेंज हो गई हैं और कैटाबॉलिक रिएक्शन हो गए हैं फिर आकर के टिश्यूज के अंदर। यार सारी चीजें सिक्वेंस में लग रही हैं, राइट? सब पढ़ा, बीच में ऐसा नहीं लगा कि कुछ ऊपर नीचे है, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि सिक्वेंस अगर गड़बड़ा जाता ना तो दिक्कत हो जाती। भाई सबसे पहले ऑक्सीजन लिया, फिर उसको एल्वियोलर मेम्ब्रेन से ब्लड में पहुंचाया, फिर ब्लड में पहुंचाने के बाद टिश्यूज तक पहुंचाया और यूज करके एनर्जी बना ली। सारा सीक्वेंस कॉमन ही तो है, 1 2 3 4 5 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5, यानी ऑप्शन ए। प्रश्न 40, एक्सपिरेटरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम ऑफ, यानी एक्सपिरेटरी मसल किस टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट करती है? डीप इंस्पिरेशन के टाइम पर, नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन के टाइम पर, फोर्सफुल एक्सपिरेशन के टाइम पर, या मस्कुलर एक्सपेंशन ऑफ लंग्स के टाइम पर? एक्सपिरेटरी मसल, या फिर आप बोलते हैं जिन्हें एब्डोमिनल मसल, इनका एनसीईआरटी में जिक्र हो रखा है, ये किस टाइम पर आपकी कॉन्ट्रैक्ट होंगी? बकायदा बता रखा है एनसीईआरटी में, सेम शब्दों का इस्तेमाल किया हुआ है, लेकिन यहां पर आपकी एब्डोमिनल मसल छोड़ करके एक्सपिरेटरी मसल बोल दिया है, सिर्फ ये बात है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब आप फोर्सफुली एक्सपायर करते हैं उस टाइम पर एक्सपिरेटरी मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करती है, एंड इसी वजह से फोर्सफुल एक्सपिरेशन हो पाती है। तो यहां पर सिर्फ फोर्सफुल वर्ड को पकड़ना था और कुछ भी नहीं। क्वेश्चन 40 का आंसर हो जाता है आपका क्या? सी। क्वेश्चन 41, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? इंस्पिरेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस, सांस लेना एक्टिव प्रोसेस है, बिल्कुल सही बात है, पहली मुझे करेक्ट मिल गई है। इंस्पिरेशन इज अ पैसिव प्रोसेस, नहीं। एक्सपिरेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस, नहीं। सांस छूट खुद जाती है पैसिवली। बोथ इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन पैसिव प्रोसेस, गलत। इंस्पिरेशन एक्टिव, एक्सपिरेशन पैसिव, एक ही ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सारे के सारे गलत है। 41 का आंसर हो जाता है ए। श्रुति, मालवी, युविका, ऋचा, दीपा, कीर्ति, कोमल, अंजलि, अविरूप, दृष्टि, अंजलि, सबका ठीक है यार, दैट्स वेरी वेरी गुड, एब्सोल्यूटली करेक्ट। इशिता, सैफ अली, प्रत्युषा, एब्सोल्यूटली करेक्ट, इट इज एक्टिव प्रोसेस। सो सांस लेने के लिए भी एनर्जी चाहिए। हम ये बोलते हैं कि सांस इसलिए ले रहे हैं कि बॉडी में एनर्जी बने, लेकिन सांस लेने के लिए भी एनर्जी चाहिए, तो रिपोजिटरी रखनी पड़ेगी एनर्जी की। बिल्कुल खाली ठनठन गोपाल होकर बैठ गए तो इंस्पायर भी नहीं कर पाएंगे, राइट? 42, गैसेस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड एल्वियोलर एयर अक्रॉस रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन्स अकर बाय ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैगोसाइटोसिस, क्या होगा? देखो एक्टिव नहीं होता, एनर्जी नहीं लगती एक्सचेंज में। फैगोसाइटोसिस अलग ही बात आ गई यहां पे, तो सेल को खाने वाली, कोई इम्यूनोलॉजी नहीं पढ़ रहे हम लोग। ऑस्मोसिस वाटर की होती है, गैस की क्या हो जाएगी बिना एनर्जी के? डिफ्यूजन, नॉर्मल है। एलिमिनेशन से क्या है आपके सामने? भैया गैस की क्या होती है? डिफ्यूजन होती है ना, तभी तो हम डिफ्यूजन बाउंड्री कहते हैं इसे, जो आपकी बनती है, जो आपका ब्लड वेसल की थिन एंडोथीलियम है, जो आपका एल्वियोलस की स्क्वैमस एपिथीलियम है, जो बीच की बेसमेंट बाउंड्री है, ये तीनों मिलकर के क्या बनाती है? 0.5 mm थिक क्या बनाती है? डिफ्यूजन बाउंड्री। तो डिफ्यूजन लेयर तो डिफ्यूजन ही कराएगी ना, राइट? चलो 43, ऑन एन एवरेज हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ्स हाउ मेनी टाइम्स अ मिनट, एक मिनट में कितनी सांसें लेते हो? ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, एकदम आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है। 12 से 16 बार सांसें लेते हो और एक सांस में जो टाइडल वॉल्यूम है, टीवी है, उसकी वैल्यू है 500 ml, यानी आप 6000 से 8000 ml या 6 से 8 लीटर हवा खींच जाते हो एक मिनट के अंदर, राइट? ये आपका फैक्चुअल था, तो इसको आसानी से करके निकल सकते हैं। 44, व्हेन वी इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन, यानी जब एकदम बढ़िया स्ट्रेंथ हो रही है इंस्पिरेशन की और एक्सपिरेशन की, तो एडिशनल मसल कहां की काम आती है? ये वही आपका एक्सपिरेटरी मसल वाला क्वेश्चन है। अगर किसी चीज में ज्यादा जोर लगा दिया तो कौन सी मसल काम आएंगी? फिर आपके इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम के अलावा भी कुछ काम आता है, कौन सी है वो? वो है आपकी एडिशनल एब्डोमिनल मसल। एनसीईआरटी का ही सवाल है, नोट करने की आवश्यकता नहीं है, अलग से पॉइंट है क्योंकि, तो कंसिडरेशन में रहता है, जब भी रिवाइज करोगे अलग से दिखेगा बकायदा। सेम क्वेश्चन है, बेस बदल क्या है? 45, मैच द फॉलोइंग, टाइडल वॉल्यूम आ गई है, टाइडल वॉल्यूम यानी टीवी, घर में सबके टीवी लगा हुआ है नॉर्मली, तो नॉर्मल है ये 500 ml, नॉर्मल वॉल्यूम लेना देना, तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? नॉर्मल ढूंढ लो,
नॉर्मल रेस्पिरेशन, वॉल्यूम ऑफ एयर जो ली है या छोड़ी है नॉर्मली, तो क्या हो जाएगा, वन का ई हो जाएगा, वन का ई सब में, अरे यार इज्जत का पचका हो गया एकदम, शाने बन रहे थे इधर ना, एकदम निकाल देंगे एकदम वन का ई। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, टीवी के बाद एक्स्ट्रा कितनी खींच ली, ठीक है। तो देखो, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सिबल एक्सपिरेशन, ठीक है, फोर्सिबल एक्सपिरेशन, ये क्या हो गया, ईआरवी हो गया। तो ईआरवी देख सकते हो, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम थ्री का जी हो गया, थ्री का जी कहां कहां पर है, थ्री का जी दो के अंदर है, ऊपर वाले हट गए। आईआरवी का देख लो, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सफुल इंस्पिरेशन, बी हो गया, टू का बी हो गया, टू का बी देख लो, टू का बी इसमें भी नहीं है, नीचे वाले में, उत्तर डी हो गया, उत्तर डी आ गया सबका, उत्तर डी आ गया, आ गया। टीवी मतलब नॉर्मली आप जो ले रहे हो 500 ml, दैट इज टीवी। आईआरवी मतलब टीवी के ऊपर जितना खींच करके हवा ली है वो आईआरवी। ईआरवी मतलब नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद जोर लगा के कितनी छोड़ी है, और जोर लगा के छोड़ने के बाद भी कितनी लंग्स में बच गई है, दैट इज द रेजिडुअल वॉल्यूम, कि उसके बाद भी कितनी बच गई है। तो उत्तर क्या आ जाएगा आपका, 4C आ जाएगा। फिर 5 देखो, इंस्पिरेटरी रिजर्व कैपेसिटी यानी टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का टोटल सम, उत्तर आपका ओवरऑल 4 ही आ जाएगा। 3-4 ऑप्शन से भी डायरेक्टली पता लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न 46, मैच द फॉलोइंग। टाइडल वॉल्यूम यानी टीवी नॉर्मल होता है 500 ml, तो 500 ml मार्क कर दो, सबसे पहले ढूंढ लो 500 ml क्या है, सी, वन का सी हो गया, वन का सी सब में है, इसमें नहीं है, एक एलिमिनेट हुआ। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2.5 से 3 लीटर, तो 2500 से 3000 देख लो क्या हो गया, ए हो गया, दो का ए हो गया, दो का ए इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, यानी बी और सी में से उत्तर है। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 से 1100 ml, 1000 से 1100 ml यानी 3 का बी हो जाएगा, 3 का डी है इसमें, 3 का बी सिर्फ इसमें है, उत्तर बी आ गया, उत्तर बी आ गया सबका। रेजिडुअल कैपेसिटी क्या है आपकी, रेजिडुअल कैपेसिटी जो, या रेजिडुअल वॉल्यूम सॉरी, जो बच जाएगी फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद भी, जो कि 1100 से 1200 हो जाएगी, और आपकी वाइटल कैपेसिटी हो जाएगी 3500 से 4600, जो बच गया, अल्टीमेटली आपका आंसर निकल जाएगा बी। स्टार्टिंग के 2-3 में ही हमें मिल गया था, ठीक है। 47, टोटल लंग कैपेसिटी इज इक्वल टू, टोटल लंग कैपेसिटी किसके बराबर है, ईआरवी और टीवी, वाइटल कैपेसिटी और रेसिडुअल वॉल्यूम, आईआरवी और टीवी, ईआरवी टीवी आईआरवी। लॉजिक लगाओ, ये क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता दुनिया में किसी का, अगर तुम लॉजिक लगा दो, मैं गारंटी दे सकता हूं, मैं गारंटी दे सकता हूं, अगर तुम लॉजिक लगाओ तो गलत नहीं होगा, अगर तुम रट के बैठे हो तो पक्का गलत हो जाएगा। काफी लोगों ने डी कर दिया है, काफी लोगों ने सी कर दिया है, ज्यादातर ने सी किया है। देखो, ईआरवी मतलब जो मैं फोर्सफुली छोड़ता हूं, और टीवी जो मैं नॉर्मली लेता हूं, यानी नॉर्मल सांस मैंने छोड़ी और फोर्सफुली छोड़ी, तो भैया आईआरवी रह गई, रेजिडुअल वॉल्यूम रह गई, तो इसमें तो सारी आई ही नहीं, तो टोटल लंग कैपेसिटी नहीं हो सकती। अब वही मैंने नॉर्मल सांस ली और खींच करके सांस ली, तो भाई जो मैं रेजिडुअल वॉल्यूम रखता हूं अंदर वो रह गई, राइट। अब यहां पर टीवी यानी मैंने नॉर्मल जो आपकी सांस ली थी उससे पहले जो मैंने फोर्सफुली एक्सपायर करी थी वो ले ली, और जोर से फिर सांस खींच ली, रेजिडुअल इसमें भी रह गई, रेजिडुअल वॉल्यूम सिर्फ आपकी यहां पर प्रेजेंट है सी के अंदर। टोटल पूरा जुगाड़ कहां पर आया है, सिर्फ सी के अंदर। तो टोटल लंग कैपेसिटी पूछा है, टीएलसी अगर पूछा है तो रेजिडुअल वॉल्यूम को काउंट करना होगा, यानी पूरी एकदम जोर से सांस खींच खांच के अंदर क्या क्या बचा, रेजिडुअल भी आ जाएगी उसमें, आईआरवी भी आ जाएगी, टीवी भी आ जाएगी, ईआरवी भी आ जाएगी, सब आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, रेजिडुअल को काउंट करना होगा, वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। 48, वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू वीसी किसके बराबर है, ईआरवी और टीवी, आईआरवी और टीवी, वीसी और आरवी, या फिर ईआरवी प्लस टीवी प्लस आईआरवी। वाइटल कैपेसिटी क्या है, रेजिडुअल वॉल्यूम को छोड़ के सब, यानी जो मैं जोर से सांस छोड़ता हूं पहले मैंने उसको खींचा यानी ईआरवी को, फिर नॉर्मल सांस ली, फिर बहुत जोर से सांस ली, अंदर जितना ले सकता था आईआरवी वो मैंने लिया, पहले से क्या प्रेजेंट थी, आरवी पहले से प्रेजेंट है, तो आरवी इंक्लूड नहीं होगी। तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा, आरवी को छोड़ के सब, यानी टोटल लंग कैपेसिटी में क्या था, टोटल लंग कैपेसिटी में आरवी इनकॉर्पोरेटेड थी, और वाइटल कैपेसिटी में क्या होगा, आरवी को हटा दो बस, टोटल लंग कैपेसिटी से वो आपकी क्या हो गई, वाइटल कैपेसिटी हो गई, उत्तर हो जाएगा डी। ईसी यानी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या है, इट इज इक्वल टू ईआरवी प्लस टीवी,
आईआरवी प्लस टीवी, वीसी प्लस आरवी, ईआरवी टीवी आईआरवी। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी मतलब आप कितना आप कितना एक्सपायर कर सकते हो आफ्टर इंस्पिरेशन। सो आपने एक नॉर्मल इंस्पिरेशन करी, ठीक है, फिर आप क्या एक्सपायर करोगे, जो नॉर्मली छोड़ते हो वो हवा, और उसके बाद जो आप फोर्सफुली छोड़ते हो वो हवा, यानी ईआरवी और टीवी। ये वाली आपकी टोटल लंग कैपेसिटी हो गई, ये वाली आपकी वाइटल कैपेसिटी होगी, ये वाली आपकी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होगी ईआरवी प्लस टीवी। तो आंसर क्या हो गया आपका, ए एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या है, ईआरवी प्लस टीवी। 50 इंस्पिरेटरी कैपेसिटी ईआरवी प्लस टीवी अभी बताकर आते थे, सेम कंसेप्ट है। आपने नॉर्मल सांस छोड़ी, उसके बाद कितना खींच सकते हो, जो नॉर्मल सांस छोड़ी पहले वो खींचो, फिर जोर लगा के ईआरवी खींच लो, ईआरवी प्लस टीवी। 50 का उत्तर क्या हो जाता है, बी। अपना अपना बैग उठा दो भाई, एक बार थम्स अप दे दो झटपट। अच्छे क्वेश्चन है, काफी करने में मजा आ रहा है, बिकॉज ये चैप्टर टेक्निकली काफी साउंड है, सबसे छोटा चैप्टर है फिजियोलॉजी का, लेकिन बड़ा मजेदार चैप्टर है। पर्सनली इससे काफी अच्छे क्वेश्चंस बनते हुए मैंने देखे हैं एग्जामिनेशन में भी और यहां पर भी, तो एकदम मजा आ गया। चलो बहुत बढ़िया, प्रश्न 51 ऑन योर स्क्रीन्स, प्लीज हैव अ लुक। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वॉल्यूम, इंक्रीजिंग वॉल्यूम में लगाओ, टाइडल वॉल्यूम 500 ml, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी ईआरवी हो गया आपका 1000 से 1100 ml, ठीक है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया आपका 2500 से 3000 ml, और रेजिडुअल वॉल्यूम हो गया आपका 1100 से 1200 ml। क्या हो गया, इंक्रीजिंग में लगाना है, सबसे पहले 500 यानी 1 हो गया, इसके बाद हो गया 3 1 3 2 4 1 3 2 4, ढूंढ लो 1 3 2 4 हो जाएगा, सी आ गया सबका आंसर, सी आ गया, बहुत बढ़िया यार, बड़े तीव्र बुद्धि के लोग यार तुम तो, क्या बात है, मतलब हद कर दी तुमने आज, मतलब सबका सब कुछ सही है, एक आधा बच्चा एक्सेप्शन होता है हर जगह पे, दैट इज ऑब्वियसली ट्रू, ऐसा कोई लोचा नहीं है उसमें, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन तुम्हारे ठीक है और जल्दी भी है, यू आर वेरी क्विक, सो दैट्स वेरी गुड। चल ठीक है, सबकी वैल्यू मैंने लिखी दी है, एनसीईआरटी में मेंशन है, अगर आप देखोगे आपको मिल जाएगा 1 3 2 4। लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड, वो क्वांटिटी ऑफ एयर जो आप एक्सपायर कर सकते हो आफ्टर मैक्सिमम इंस्पिरेटरी एफर्ट, ठीक है, मैक्सिमम इंस्पिरेशन आपने करी, तो सबसे पहले तो आप उसको छोड़ोगे, यानी आप आईआरवी को छोड़ोगे, फिर आप नॉर्मल जो सांस छोड़ते हो वो छोड़ोगे टीवी, फिर आप लार्जेस्ट क्वांटिटी जो एक्सपायर कर सकते हो यानी आप ईआरवी को भी छोड़ोगे। इसे क्या कहा जाता है, इसे क्या कहा था, आईआरवी टीवी ईआरवी सब आ गया, आपका रेजिडुअल वॉल्यूम को छोड़ के सब आ गया, क्या कहोगे इसे, टोटल लंग कैपेसिटी तो हो नहीं सकता, क्योंकि सीधी सी बात है आपका टोटल लंग कैपेसिटी में आपका रेजिडुअल वॉल्यूम भी इंक्लूडेड होता है, यहां पर इंक्लूड हमें नहीं करना है। टाइडल वॉल्यूम तो आपका यहीं पर आ गया 500 ml, रेजिडुअल वॉल्यूम आपका यहां पर काउंट नहीं हो रहा है, तो उत्तर बच गया वाइटल कैपेसिटी। क्या मैं इसको बेसिक लॉजिक से भी कर सकता था अगर मुझे कंसेप्ट पता है तो, एलिमिनेशन से, द आंसर इज यस। इसीलिए कंसेप्ट होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें कंसेप्ट पता था, हमने तीनों चीजें लिखी, बेसिक एलिमिनेशन से हमें श्योरिटी भी हो गई कि भैया वाइटल कैपेसिटी है, और खेल भी खत्म हो गया, राइट। चल प्रश्न 53, द वाइटल कैपेसिटी ऑफ अडल्ट ह्यूमन लंग्स इज इक्वल टू, वाइटल कैपेसिटी यानी वीसी किसके बराबर है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर अ फोर्स्ड इंस्पिरेशन, यानी फोर्स्ड इंस्पिरेशन के बाद मैक्सिमम हवा जो आपने बाहर छोड़ी, यानी कि आपने पहले आईआरवी छोड़ी फिर टीवी फिर ईआरवी, मैक्सिमम हवा जो आपने ब्रीद करी आफ्टर फोर्स्ड एक्सपिरेशन, यानी पहले पूरी हवा छोड़ने के बाद पहले ईआरवी ली फिर टीवी ली फिर आईआरवी, यानी दोनों की वैल्यू सेम है, ईआरवी टीवी प्लस आईआरवी इसकी वैल्यू भी सेम है, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, सारी चीजें सेम तरफ इशारा कर रहे हैं, सब में ईआरवी टीवी आईआरवी आ रहा है, उत्तर क्या हो जाएगा 53 का, डी हो जाएगा, राइट। ये बढ़िया क्वेश्चन था, इसको एक बार मैं स्टार मार्क कर देता हूं, जिससे आप एनोटेटेड पीडीएफ अगर लेते हैं आपको पता लगे इंपॉर्टेंट है, तीनों चीजें सेम वैल्यू की, चाहे आप पूरी डीप सांस लेकर के मैक्सिमम छोड़ दो, चाहे आप मैक्सिमम सांस छोड़ करके डीप सांस लो, बात तो एक ही है ना, एकदम उल्टा प्रोसेस है, और इक्वेशन भी उसी की लिखी हुई है, तो ऑल ऑफ दिस वुड बी करेक्ट। फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी FRC कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, FRC यानी फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी क्या है, फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी क्या है, झटपट बता दो यार। फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी मतलब
जो आप नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद जो आपके अंदर बची है, यानी ERV बची है जो मैं फोर्सफुली छोड़ सकता था, और RV रेसिड्यूअल जो किसके बाद भी बचती है वो तो है ही। तो फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी मतलब रेसिड्यूअल वॉल्यूम और इसके साथ जो फंक्शनल हवा है जो मैं फोर्सफुली छोड़ सकता था वो भी बची हुई है, राइट? तो क्या हो गया, 54 का बी हो गया, 54 का आंसर हो गया बी। प्रश्न 55, द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व्ड इन ब्रीदिंग मूवमेंट्स कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग अ डैश विद द हेल्प ऑफ व्हिच हेल्प इन क्लिनिकल असेसमेंट। प्रश्न देखते ही आंसर दिमाग में आ गया था तो आगे कुछ देखने की जरूरत नहीं। वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व्ड इन ब्रीदिंग मूवमेंट्स, मैंने आपको बताया था एक पाइप लगाया जाता है, नाक आपकी बंद कर दी जाती है, उस पाइप में कितनी एयर जा रही है, कितनी एयर आ रही है, कितनी बार ब्रीथ किया है एक मिनट के अंदर, सब देखा जाता है, इसे स्पायरोमीटर कहा जाता है। क्योंकि रेस्पिरेशन के जो आपके अल्फाबेट्स हैं स्पायर, वो यहां पर आ रहे हैं, SPIR, दैट इज स्पायरोमीटर। ठीक है, सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। अ स्पायरोमीटर कैन नॉट बी यूज टू मेजर IC यानी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, RV, ERV एंड IRV। कौन सी चीज, दिमाग लगाना मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन बहुत घुमा दिया है और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, लेकिन दिमाग से खेलोगे तो इज्जत उतार दोगे इस क्वेश्चन की बहुत बढ़िया तरीके से। भाई जो चीज तुम सांस छोड़ते वक्त या लेते वक्त ला ही नहीं रहे हो इनटू एक्शन, उसको नापोगे कैसे? तुमने जोर से सांस छोड़ी, भाई IRV नाप लोगे, राइट? मतलब ERV नाप लोगे, जोर से सांस ली IRV नाप लोगे, रेजिडुअल वॉल्यूम कैसे नापोगे? तो लंग्स के अंदर फंसी हुई है ना, राइट? तो ये तो नाप ही नहीं सकते, उत्तर आ जाएगा आपका रेजिडुअल वॉल्यूम, सीधी सी बात थी, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि एक्शन में है ही नहीं है, तो लंग्स के अंदर है, ये तो ना तुम बाहर निकाल रहे हो ना अंदर ले रहे हो, तो इसको नापने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। प्रश्न 57, इंस्पिरेटरी एयर इन लंग्स अल्टीमेटली रीचेस, यानी जो आपने लंग्स के अंदर हवा ली है ये अल्टीमेटली लंग्स के किस पार्ट में पहुंचेंगे? ट्रैकिया पहला पार्ट है, फिर आते हैं आपके ब्रोंकाई, फिर आते हैं ब्रोंकियोल, एल्वियोलाई एंड में आएंगे, टर्मिनल पूछा है, अल्टीमेटली पूछा है ना, अल्टीमेटली फाइनल कहां पहुंचेंगे? एल्वियोलस के अंदर, वही एक्सचेंज होगा, लास्ट पार्ट है। 57 का आंसर हो जाता है बी। 58, विच इज नॉट ट्रू, गंदी बात कौन सी है? PCO2 ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज 95, CO2 कभी 95 हो ही नहीं सकता, हमने मैक्सिमम ये पढ़ा है 45, यही बात नॉट ट्रू है, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल सी बात है। 58 का आंसर क्या दे रखा है? ए दे रखा है, सही भी। भाई हमसे पूछा है कौन सी बात गलत है, 95 तो PCO2 हमने कहीं पर देखा ही नहीं, मिनिमम थे आपका 0.3 एटमॉस्फेयर में, मैक्सिमम आपका जहां पर CO2 ज्यादा था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यूज के अंदर 45 इसकी वैल्यू थी, 95 तो हो ही नहीं सकता। एल्वियोलर एयर में कम था तो 40 होगा, डीऑक्सीजनेटेड में आपका O2 कम है तो 40 होगा, एकदम सही। PO2 आपका ऑक्सीजनेटेड में ज्यादा है 95 और एल्वियोलर में ज्यादा है 104, ये डबल से भी ज्यादा होता है, एक ही बात गलत है, उत्तर हो जाएगा 58 का ए। 59, Which of the following factors affect the rate of diffusion of gases? Diffusion का रेट क्या है ये किस पर डिपेंड करता है? Partial pressure या concentration? Gradient, जाहिर सी बात है gradient जितना बड़ा उतनी तेज diffusion होगा। Solubility of gases, जितनी solubility ज्यादा उतनी बढ़िया diffusion होगी। Thickness of the diffusion membrane, जितनी कम thickness होगी उतनी बढ़िया diffusion होगी। Factor तो सारे के सारे ही हैं, उत्तर हो जाएगा आपका D, उत्तर हो जाएगा आपका D। प्रश्न 60, लंग एल्वियोलाई ऑफ मैमल्स हैव थिन वॉल कंपोज्ड ऑफ, एल्वियोलाई की पतली पतली वॉल्स कैसी हैं? पेवमेंट एपिथीलियम है, वो स्क्वैमस एपिथीलियम है, क्यूबॉइडल नहीं है, मोटे सेल्स नहीं है, पेवमेंट है, स्क्वैमस है, क्यूबॉइडल नहीं है, स्ट्रेटिफाइड नहीं है, सिंपल स्क्वैमस, प्यारी एकदम पतली सी बढ़िया लेयर टाइल लाइक सेल्स की, आपके पतले पतले इरेगुलर बाउंड्री वाले सेल्स, न्यूक्लियस ऐसे प्रेजेंट होंगे, ये आपकी पेवमेंट एपिथीलियम या स्क्वैमस एपिथीलियम है। ब्लड वेसल में भी यही पेवमेंट एपिथीलियम क्या बनाती है? ब्लड वेसल की एंडोथीलियम लेयर बनाती है। उत्तर क्या हो जाएगा आपके 60 का? बी हो जाएगा। अभी तक की के अंदर कोई भी गलती, कोई भी मिस्टेक नहीं, ठीक है। प्रश्न 61, द मोड ऑफ रेस्पिरेशन इन रैबिट, रैबिट कैसा है? टेरेस्ट्रियल है, क्या स्किन से करेगा? नहीं। क्या म्यूकस से करेगा? म्यूकस कोट से नहीं। या ट्रेकिया से करेगा या लंग से करेगा? भाई टेरेस्ट्रियल है, आपका मैमल है, पल्मोनरीज में ज्यादा होगी, सिंपल सी बात है। पल्मोनरी रेस्पिरेशन इज गोइंग टू बी मोर इन दिस, इसके अंदर पल्मोनरी रेस्पिरेशन ज्यादा हो जाएगी,
राइट, ऑब्वियसली क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल है। 62, द रेस्पिरेटरी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेजरली मेड अप ऑफ कितनी लेयर, फटाफट बताओ। जो आपकी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है कितने लेयर की बनती है, एक तो आपके एल्वियोलस की लेयर हो गई स्क्वेमस एपिथेलियम, एक आपकी ब्लड वेसल के बीच में एंडोथेलियम उसकी लेयर, और एक इसके बीच का बेसमेंट मेम्ब्रेन, तीन लेयर हो गई ना, तीन लेयर हो गई राइट, स्क्वेमस एपिथेलियम, स्क्वेमस एपिथेलियम, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल एंड बेसमेंट सब्सटेंस या बेसमेंट मटीरियल, बेसमेंट मटीरियल, तीनों मिलकर के तब भी ये 1 mm से भी पतले होते हैं, अराउंड अप्रोक्सीमेटली 0.5 mm के आसपास इनका थिकनेस रहता है, यानी ये काफी थिन रहते हैं तीन मेम्ब्रेन होने के बावजूद भी, दैट्स व्हाई दे मेक अ परफेक्ट डिफ्यूजन बाउंड्री राइट। ये सेल के बने हुए हैं, ये आपका ए सेल्यूलर सब्सटेंस है बीच में, तो दो रीजन आपके सेल्यूलर हैं, एक आपका ए सेल्यूलर है, ये भी लिख सकते हो एब्सोल्युटली रिया, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। प्रश्न 63, द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज डैश टाइम हायर देन O2, फैक्चुअल क्वेश्चन है, 20 से 25 गुना ज्यादा सॉल्युबिलिटी रहती है, सिंपल सी बात है, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा टाइम हम नहीं लगाएंगे, ये याद करने वाली बात है, ये एज इट इज ही याद करनी पड़ती है। तो CO2 20 से 25 गुना ज्यादा सॉल्युबल है, एंड दैट्स व्हाई CO2 अगर बराबर भी है, 1000 मॉलिक्यूल CO2 के हैं, 1000 O2 के हैं, तो टक्कर बराबर की नहीं होगी, CO2 ज्यादा डिफ्यूज कर जाएंगे क्योंकि उनका पोटेंशियल अच्छा है। द वैल्यू ऑफ PO2 इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड माइनस PCO2 इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज, PO2 कितना है डीऑक्सीजनेटेड में, कम है, कम की वैल्यू 40, PCO2 डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ज्यादा है, दैट इज 45, उत्तर क्या आएगा, -5 आएगा, निकाल लोगे। 64 का आंसर क्या है, 64 का आंसर आया है बी, एकदम करेक्ट है, सीधा सीधा निकालना था, दोनों वैल्यूज हमें पता ही है, दोनों वैल्यूज हमें पता है, 40-45 क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा राइट, उत्तर हो जाएगा आपका बी। प्रश्न 65, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, गलत बात का, गंदी बात का पता लगाना है। डिफ्यूजन ऑफ O2 अकर्स फ्रॉम एल्वियोलाय टू टिश्यू, एल्वियोलाय से ऑक्सीजन आकर टिश्यू में जाता है, ठीक है। डिफ्यूजन ऑफ CO2 अकर फ्रॉम टिश्यू टू एल्वियोलाय, टिश्यू से एल्वियोलाय में वो जाता है बाहर निकलने के लिए, यह भी ठीक है। अमाउंट ऑफ CO2 डिफ्यूज थ्रू मेम्ब्रेन इज हायर देन दैट ऑफ O2, अमाउंट ऑफ CO2 डिफ्यूज थ्रू मेम्ब्रेन इज हायर देन दैट ऑफ CO2, डिफ्यूजन पोटेंशियल इसका अच्छा है। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज हायर इन पल्मोनरी आर्टरी देन इन पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, तो O2 इसमें कम होगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ CO2, तो ये बात गलत है, ये बात गलत है। और पल्मोनरी वेन जो है ये उल्टा करती है, एक्सेप्शन है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी तो क्या हो जाएगा, CO2 कम हो जाएगी, O2 ज्यादा हो जाएगा, उल्टा लिखा हुआ है एकदम, तो क्या हो जाएगा, उत्तर आपका डी हो जाएगा राइट, उल्टा हो जाएगा, 65 का डी विल बी द आंसर। प्रश्न 66, टोटल थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, अभी आपको बताया था 0.5 mm के आसपास, यानी फेमटोमीटर तो बहुत ही कम हो गया है, 10^-15 है, इतना भी कम नहीं होता। माइक्रोमीटर 10^-6 पहुंचा दिया है, नैनोमीटर 10^-9 पहुंचा दिया है, मच लेस देन एन mm, तो 0.5 mm है। सबसे लॉजिकल जो यहां पर टर्म है वो यही है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 66 का सी। प्रश्न 67, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन किसकी बनी है, थिन स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाय पहली लेयर है, एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज यानी कैपिलरीज की एंडोथेलियम लेयर, ब्लड वेसल्स की सेकंड लेयर है, और इनके बीच का बेसमेंट मेम्ब्रेन सब्सटेंस या ऑल ऑफ द अबव। अभी पढ़ चुके थे, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, दैट्स व्हाई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, यहां पर मैंने बकायदा लिख के बताया था। ये देखो, स्क्वेमस एपिथेलियम, एंडोथेलियम, बेसमेंट मटीरियल, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसीलिए एक्सप्लेनेशन नहीं लेंगे, ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। पार्शियल प्रेशर इन mmHg ऑफ O2 इन एटमॉस्फेरिक एयर एल्वियोलाय डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड आर, एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर ऑक्सीजन काफी ज्यादा है, 159 के आसपास है, एल्वियोलाय जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा है 104 के आसपास, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कम है तो 40 होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ज्यादा है तो 90 होगा, टिश्यू के अंदर कम है तो कितना होगा, 40 होगा। वैल्यू देख लो, 104 40
159 140 एंड आपका 95 आएगा यहां पर 95 40। समझ पा रहे हो क्या आएगा? ए आ गया, एकदम आ गया, ए आ गया। ये आपकी क्या हो जाएगी? वैल्यू हो जाएगी ऑक्सीजन की। अब CO2 का देख लो, CO2 का जहां कम वहां 40, जहां ज्यादा वहां 45। एटमॉस्फेयर के अंदर 0.3 है, अलग से नोट कर लो, एक ही के अंदर 0.3 है, काम खत्म, सी मारो आगे बढ़ जाओ। 69 का सी है, देखना ही नहीं है यार, बचे हुए नहीं देखना। 159 हो, इतना CO2 का लेवल नहीं होता एटमॉस्फेयर के अंदर। 0.3 है, सी में मिल गया, काम खत्म। फिर जहां जहां कम है वहां 40, जैसे एल्वियोलाई के अंदर कम है तो 40, डीऑक्सीजनेटेड के अंदर ज्यादा है 45, ऑक्सीजनेटेड के अंदर कम है 40, टिश्यू के अंदर ज्यादा है 45, तो बाद में देख लो 40 45 40 45 40 45 40 45, एकदम करेक्ट। वैल्यू हमें याद है, ऐसी बात नहीं है, हमें ज्ञान कम है, लेकिन हम श्योर हो गए 0.3 देखने के बाद, अब तो गलती के कोई चांसेस है ही नहीं, इसके अलावा कोई ऑप्शन अब हमें नहीं चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं हो सकती। दैट्स वाई वी वर वेरी श्योर कि सी आंसर है, सी हमने खत्म कर दिया, आगे हम चल पड़े। 70, द टोटल परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड बाय हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन से मेजॉरिटी ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है, उसकी वैल्यू क्या है? प्लाज्मा के थ्रू काफी कम ऑक्सीजन ट्रेवल होता है, अराउंड आपका कितना? अराउंड 3%। ज्यादातर आपका किसके थ्रू ट्रेवल करता है? हीमोग्लोबिन के थ्रू, यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना करके। तो कितना बनाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन? 97%। प्लाज्मा के थ्रू कितना जाएगा? सिर्फ 3%। प्लाज्मा के थ्रू सिर्फ 3%। ये क्या है? ऑक्सीजन का डेटा है। बिसाइड आरबीसी ब्लड प्लाज्मा ऑल्सो कैरी ऑक्सीजन इन डिजॉल्व स्टेट, परसेंटेज कितनी हो जाएगी? 3% अभी देखा था, तो इस क्वेश्चन को करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल सी बात है। 71 का आपका ए आ जाएगा, 3% आ जाएगा, एज सिंपल एज दैट। 97 अगर ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में जा रही है तो 3 आपकी प्लाज्मा के फॉर्म में चली जाएगी। यहां पर कोई कार्बोनेट बायकार्बोनेट नहीं बनता, क्योंकि बायकार्बोनेट बनाने के लिए क्या चाहिए? नाम क्या है? बायकार्बोनेट, कार्बन चाहिए, कार्बन तो है ही नहीं ऑक्सीजन में, तो बायकार्बोनेट के फॉर्म में ऑक्सीजन ट्रेवल नहीं करता, ज्यादातर CO2 ट्रेवल करती है। तो CO2 कैसे ट्रेवल करेगी? आरबीसी के थ्रू ट्रेवल करेगी, आपकी कार्बमिनो हीमोग्लोबिन बना करके, या बायकार्बोनेट बना लेगी, या प्लाज्मा के थ्रू ट्रेवल करेगी, या ऑल ऑफ दीज। जाहिर सी बात है ऑल ऑफ दीज सारे कर सकते हैं, ज्यादातर आपका बायकार्बोनेट के थ्रू ट्रेवल होगा, कुछ आपका आरबीसी के थ्रू जाएगा, एंड कुछ आपका प्लाज्मा के थ्रू भी जा सकता है। ब्लड एंटरिंग द लंग इज रिच इन, यानी लंग्स के अंदर जो ब्लड आया है वो कैसा आया है? ऑक्सीजन में रिच है, कार्बन डाइऑक्साइड में, यूरिया में, मोर आरबीसी में। सीधी सी बात है यार, लंग्स में ब्लड गया क्यों? प्योरीफाई होने के लिए, क्योंकि लंग्स आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, वो उसके अंदर ऑक्सीजन डालेगा। लंग ऑक्सीजन क्यों डालेगा? क्योंकि उसे वहां से CO2 पिक करनी है और ब्लड को ऑक्सीजनेट करना है, तो जो ब्लड आपका लंग में गया उसमें CO2 ज्यादा थी, इट वॉज रिच इन CO2। इसको कौन लेके गई थी? पल्मोनरी आर्टरी लेके गई थी, पल्मोनरी आर्टरी, जो कि क्या कैरी करती है? जो कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, काम खत्म। बात समझ में आई? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, तो डीऑक्सीजनेटेड ही जाएगा, जिसमें CO2 ज्यादा होगी, ऑक्सीजन कम होगी। 74, द मेजॉरिटी ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड एज, जैसे O2 आपका मेजरली ट्रांसपोर्ट हो रहा था आरबीसी के थ्रू ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना करके, ज्यादातर CO2 कैसे ट्रांसपोर्ट होगा? एज कार्बोनेट, एज बायकार्बोनेट, कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन, या प्लाज्मा के थ्रू। 70% से भी ज्यादा CO2 कैसे ट्रेवल करता है? ये आपका ट्रेवल करता है मेरे दोस्त एज बायकार्बोनेट। 70% से भी ज्यादा ट्रेवल करता है एज बायकार्बोनेट। उसके बाद बचे हुए आपके पार्टिकल्स 30% में से कुछ आपके कार्बमिनो हीमोग्लोबिन बनाते हैं, कुछ आपके डिजॉल्व स्टेट में रहते हैं, जिनकी परसेंटेज रिस्पेक्टिवली कम होती जाती है। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड मेनली बाय ब्लड प्लाज्मा, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, एरिथ्रोसाइट, बार बार नहीं पढ़ना है। ब्लड प्लाज्मा से 3% जा रहा था, हीमोग्लोबिन के थ्रू 97% जा रहा था। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? आरबीसी में, एरिथ्रोसाइट में, इसके थ्रू 97% जा रहा था। उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा डी, सिंपल सी बात है। तो इसमें ज्यादा कुछ हम लोग इसको सजाएंगे नहीं, क्वेश्चन को इतना इस क्वेश्चन की वैल्यू नहीं है जितना हम इसको भाव दे रहे हैं। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, उतना ही इसकी एक्सप्लेनेशन को रखा जाएगा। 76,
ब्लड ट्रांसपोर्ट CO2 इन थ्री फॉर्म्स. द करेक्ट परसेंटेज ऑफ CO2 इन दीज फॉर्म्स आर कार्बामिनोहीमोग्लोबिन के फॉर्म में कितना ट्रेवल करेगा, बायकार्बोनेट के फॉर्म में कितना जाएगा और डिसॉल्वड फॉर्म में कितना जाएगा. मैंने आपको एक डेटा बताया था, वो डेटा लगा दो, पहले ही बार में क्वेश्चन आंसर का आपका आंसर सही हो जाएगा. हमने अभी अभी देखा मेजोरिटी कैसे जाता है एस बायकार्बोनेट 70%. 70% किसमें है, ऑप्शन ए में. ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, 100% करेक्ट है. कार्बामिनोहीमोग्लोबिन बनाएगा 20-25% यानी आरबीसी के थ्रू, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके, और 7% आपका प्लाज्मा में डिसॉल्वड स्टेट में जाएगा. ज्यादातर आपका एस बायकार्बोनेट जाता है, ठीक है. यह आपका डेटा हो जाएगा फॉर कार्बन डाइऑक्साइड. ऑक्सीजन के लिए क्या था, 97% ऑक्सीहीमोग्लोबिन, 3% डिसॉल्वड इन प्लाज्मा, ठीक है. तो 76 का बायकार्बोनेट देखते ही हो गया था वैसे, बट तीनों हमें चीजें याद हो गई. 77 ईच मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैन कैरी मैक्सिमम कितनी सवारी बैठा सकता है, कितने हीम ग्रुप थे. हीमोग्लोबिन मैक्सिमम कितनी सवारी बैठा पा रहा था कंप्लीट 100% सैचुरेशन पे. एक ऑक्सीजन बैठाया 25% सैचुरेशन, दो ऑक्सीजन बैठाए 50% सैचुरेशन, तीन बैठाए 75%, चार बैठाए 100% सैचुरेशन. मैक्सिमम चार बैठा सकता है. कोऑपरेटिव बाइंडिंग होती है, साथ ही हाथ बढ़ाना वाली बाइंडिंग होती है. एक ऑक्सीजन अगर आ गया तो दूसरा मोर इजीली बाइंड करेगा, उसको हाथ देने के लिए पहले से कोई है. दो ऑक्सीजन बाइंड कर गए, तीसरा और इजीली आएगा, कोऑपरेटिव बाइंडिंग इसे कहा जाता है. 78 अंडर अ गिवन ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन ब्लड डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन विल इंक्रीज इफ, यानी ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिसोसिएट कब होगा, जब पीएच फॉल करेगा यानी पीएच आपका कम हो जाएगा यानी एसिडिटी बढ़ जाएगी, जब पीएच राइज करेगा, जब पीएच बढ़ेगा यानी एल्कलिनिटी बढ़ जाएगी, जब CO2 कंसंट्रेशन आपकी कम हो जाएगी, जब फैटी एसिड कंसंट्रेशन आपकी कम हो जाएगी. फैटी एसिड कंसंट्रेशन आपकी कम हो जाएगी. कैडेट वाली ट्रिक लगाओ, फटाफट लगाओ, फटाफट लगाओ, कैडेट वाली ट्रिक लगाओ. मैंने आपको क्या बताया था, कैडेट आपका डिसोसिएशन कराते हैं, यानी या तो CO2 ज्यादा हो या एसिडिटी ज्यादा हो या आपका डायफॉस्फोग्लिसरेट ज्यादा हो या टेम्परेचर ज्यादा हो. यहां पर एसिडिटी ज्यादा किसमें हो रही है भाई, पीएच कम मतलब एसिडिटी ज्यादा, कम पीएच की तरफ आओगे एसिडिटी बढ़ेगी. 78 का ए कैडेट वाली ट्रिक से हो गया, मतलब ट्रिक इंप्लीमेंटेबल होती हैं, मैं खुद यूज करता हूं यार, बड़े बड़े एग्जामिनेशन में हम लोग यूज कर देते हैं और सही आता आंसर, क्योंकि जितना ज्यादा डेटा उतनी ज्यादा कंफ्यूजन होती है. यहां पर 4.5 पॉइंट को हमने एक वर्ड से याद कर लिया कैडेट से और सही बैठी एकदम ट्रिक, राइट, सिंपल कंसेप्ट. 78 का ए. 79 द ब्लड कमिंग आउट ऑफ लंग्स इज रिचर देन दैट वन एंटरिंग इनटू लंग्स इन, यानी ब्लड जो लंग से बाहर आ रहा है किस चीज में ज्यादा रिच होगा, O2 में, CO2 में, A और B, none of these. भाई जो लंग्स से बाहर आ रहा है वो प्योरीफाई होकर के आ रहा है, और अगर प्योरीफाई होकर के आ रहा है तो क्या ऐड कर दिया होगा उसमें हमने, ब्लड को ऑक्सीजनेट कर दिया यानी ऑक्सीजन डाल दिया, CO2 तो रिमूव ही कर दी, तो CO2 हो जाएगी कम और ऑक्सीजन हो जाएगी ज्यादा. उत्तर क्या है, 79 का बी है, बोथ देखकर फिसलना नहीं था. प्रश्न 80 व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 राइजेस, यानी CO2 बढ़ गया है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व हीमोग्लोबिन एट 37 डिग्री सेल्सियस विल, यानी CO2 अगर आपने बढ़ा दिया है तो क्या हो जाएगी, CO2 आपने बढ़ा दिया है तो कैडेट ट्रिक के हिसाब से डिसोसिएशन हो जाएगा आपके, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होगा तो किस साइड में जाएगा कर्व, राइट में, लेफ्ट में, डिसोसिएशन हुआ राइट में जाएगा. तो ट्रिक क्या थी, कंप्लीट कैडेट राइट, यानी कैडेट जब बढ़ते हैं तो राइट की तरफ आपका कर्व जाता है, कैडेट राइट शिफ्ट टुवर्ड्स राइट, सिंपल सी बात, ठीक है. 80 का ए. 81 डिसोसिएशन कर्व इज कनेक्टेड विद, डिसोसिएशन कर्व किस चीज पर, मतलब किस चीज से रिलेटेड है, मायोग्लोबिन से, ऑक्सीजन की स्टोरेज नहीं, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, मायोग्लोबिन स्टोरेज करता है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं. डिसोसिएशन कर्व किस चीज का डिसोसिएशन, ऑक्सीहीमोग्लोबिन का ना, तो ऑक्सीजन अकेला काफी नहीं है, हीमोग्लोबिन भी लिखा होना चाहिए, तो 81 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा. 81 का उत्तर हो जाएगा डी, ये याद रखना. 82 अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन इज लेफ्ट अनयूज इन द ह्यूमन ब्लड इवन आफ्टर अपटेक बाय बॉडी टिश्यू, बहुत सारा ऑक्सीजन लोडेड फॉर्म में रह जाता है, कभी कंप्लीट ऑक्सीजन अनलोड नहीं होता, ये बात याद रखना, आपका काफी सारा जो ऑक्सीजन है लोडेड ही रहता है,
ओके, पूरा सैचुरेट होने के बाद भी कंप्लीटली अनलोड नहीं होता तो काफी आपके ब्लड में घूमता रहता है, ये किस काम आता है? इट इज इनफ टू कीप ऑक्सीहीमोग्लोबिन सैचुरेशन एट 96%, गलत बात है, 50% तो आपका अनलोड होगा ही, जो नॉर्मल वहां पर पार्शियल प्रेशर है CO2 का, उसके अकॉर्डिंगली आपका एक टर्न में, एक साइकिल में पर आपका टर्न या पर आप अगर चक्कर मारेंगे पर राउंड 50% तो उतरेगा ही गड्डी में से, तो 96% सैचुरेशन वाली बात गलत है। हेल्प इन रिलीजिंग मोर ऑक्सीजन टू एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल सेल के कॉन्टेक्ट में नहीं रहते बहुत ज्यादा। एक्ट एज रिजर्व ड्यूरिंग मस्कुलर एक्सरसाइज, हाँ मस्कुलर एक्सरसाइज करोगे तो एग्जॉशन के टाइम पे आपको थोड़ा बहुत बचाने के लिए ऑक्सीजन काम आ जाएगी। रेज PCO2, अब PCO2 ऑक्सीजन क्यों ही रेज करेगा, ये तो PO2 बढ़ाएगा ना, तो ये बात तो सरासर गलत है। अल्टीमेटली क्या है, ये रिजर्व की तरह काम करता है, ये जमा हो जाएंगे कि जब भैया जब एक्सरसाइज करोगे बढ़िया तब तुम्हें ऑक्सीजन दे देंगे, अचानक से सब कुछ एग्जॉस्ट नहीं होने देंगे, ये बात है। 82 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एक्स्ट्रा जब ऑक्सीजन बच गई, पहली बात तो बची क्यों, क्योंकि सिर्फ 50% उतरता है, नॉर्मल जो बॉडी कंडीशन है ना, एक राउंड में 50% ऑक्सीजन उतरता है, 50 चढ़ा रहता है, जो 50 आपका बचा हुआ है ब्लड में घूम रहा है वो किस काम आएगा, एग्जॉशन से बचाने के लिए, जब एक्सरसाइज करोगे तब काम है। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इज पैराबोला सिग्मोइड हाइपरबोला स्ट्रेट लाइन, झटपट बता दो यार, फटाफट बता दो यार, लाइट गई हुई है, एसी चला नहीं है भाई, तर बतर हो गए हैं बिल्कुल। एट्टी थ्री का आंसर क्या हो जाएगा, सिग्मोइड हो जाएगा, सबको पता है क्योंकि कॉपर एटी बाइंडिंग है तो एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं होती, यहां पर आपकी परसेंटेज सैचुरेशन है, यहां पे PO2 का लेवल है, ठीक है, इनिशियली कम बढ़ा, फिर आगे गया थोड़ा ज्यादा बढ़ा, देन आपका 100% पे सैचुरेट हो गया, चार हेमोग्लोबिन, चार ऑक्सीजन से ज्यादा बैठा नहीं सकता एक हेमोग्लोबिन, चार पे जाकर के सैचुरेट हो जाएगा, 100% सैचुरेट हो जाएगा, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, सिग्मोइड हो जाएगा, उत्तर है आपका सिग्मोइड। 84, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हेमोग्लोबिन कैन बी अफेक्टेड बाय, ऑक्सी हेमोग्लोबिन की बाइंडिंग को कौन कौन अफेक्ट कर सकता है, PCO2, अगर CO2 ज्यादा है तो डिसोसिएशन हो जाएगी, H+ कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है यानी एसिडिटी ज्यादा है तो डिसोसिएशन हो जाएगी, टेम्परेचर ज्यादा है डिसोसिएशन हो जाएगी, ऑल ऑफ दिस कैडेट के सारे अल्फाबेट्स यहां पर आ रहे हैं, सिंपल सी बात है भाई, एक और ट्रिक लगाई, एक और क्वेश्चन सॉल्व, राइट। 85, द अमाउंट ऑफ O2 नॉर्मली कैरिड इन 100 ml ब्लड, 100 ml ब्लड में ऑक्सीहीमोग्लोबिन के थ्रू 5 ml ऑक्सीजन ट्रांसफर होता है, जबकि अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड की बात करो तो सिर्फ 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफर होगा, उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा आपका 85 का सी। केमिस्ट्री के प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट हो जाएंगे इसी वीक, जब जेनेसिस बैच आएगा तो एक वीडियो नितेश सर लेंगे थ्योरी की और एक वीडियो सर लेंगे प्रैक्टिस की डेली बेसिस पे, दो वीडियो उनकी आएंगी, तीन वीडियो मेरी आएंगी और रात को एक वीडियो फिजिक्स की आएगी, बड़ी वीडियो 2-2.5 घंटे की डेली बेसिस पे, बढ़िया अपने अच्छे पेस के ऊपर सारी चीजें चलेंगी, ओके। 4 ml CO2, 5 ml O2, ये याद रखना है। हाउ मच ऑक्सीजन इज डिलीवर्ड बाय 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वही क्वेश्चन आ गया, 5 ml, पता नहीं क्यों पूछा हुआ है, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट सेम क्वेश्चन है, रिपीट करके आ गया है साइमल्टेनियसली। हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड इन 100 ml, 4 ml, बात खत्म, बहुत ज्यादा टाइम इसमें क्यों लगाना, अभी अभी इलेबोरेट कर चुके हैं। ऑक्सीजन बाइंडिंग टू हीमोग्लोबिन इज, यानी ऑक्सीजन जब बाइंड करेगा हीमोग्लोबिन से तो किस किस पर वो चीज डिपेंड करेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CO2 कंसंट्रेशन, भाई CO2 अगर ज्यादा है तो ऑक्सीजन की बाइंडिंग क्यों ही होगी, उल्टा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CO कंसंट्रेशन, CO2 तो यू नो ऑक्सीजन से ज्यादा बाइंड करता है, CO इसका भी बाप है, ये तो और ज्यादा बाइंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू CO2 कंसंट्रेशन, CO2 के अपोजिट है, CO2 कम तो ज्यादा ऑक्सीजन बाइंड करेंगे, इंडिपेंडेंट ऑफ CO कंसंट्रेशन ऐसा नहीं है, अगर CO बढ़ा तो ऑक्सीजन को गड्डी में से जबरदस्ती उतार देगा, जैसे आप GTA San Andreas खेलते होंगे भाई, एक आदमी की गर्दन पकड़ो उसे उसकी गाड़ी से बाहर फेंको खुद बैठ जाओ, ऐसा दबदबा है CO का। CO2 तो तब भी थोड़ा ज्यादा सॉल्युबल है लेकिन थोड़ा शराफत से रहता है, अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ज्यादा है तो डर जाएगा, CO बिल्कुल नहीं डरेगा, CO2 तब भी डर जाएगा, CO बिल्कुल नहीं डरेगा, ये तो दबंग है इस इलाके में, एकदम पकड़ेगा और सीधा ही फेंक देगा, पूछेगा भी नहीं तुम कौन हो, कैसे ऑक्सीजन हो, बाइंड करे हो, कहां जा रहे हो, कहां से आ रहे हो, डजंट मैटर, ऑक्सीजन देखा दो थप्पड़ मारेगा गाड़ी से नीचे खुद बैठेगा,
तो ये इंडिपेंडेंट वाली बात आपकी गलत हो जाएगी। उत्तर क्या है यहां पर? सी हो जाएगा। 88 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 89, द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हीमोग्लोबिन इज, सबसे ज्यादा डिफाइनिंग फीचर क्या है हीमोग्लोबिन का? इट्स रेड कलर, प्रेजेंस ऑफ आयरन, एबिलिटी टू कंबाइन रिवर्सिबली विद ऑक्सीजन एंड प्रेजेंस ऑफ बेसिक प्रोटीन ग्लोबिन। क्या होगा यहां पर? हीमोग्लोबिन में एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो किसी में नहीं है, आयरन और जगह भी पाया जा सकता है, साइटोक्रोम्स वगैरह में भी पाया जाता है, राइट? रेड कलर इज यू नो वेरी कैरेक्टरिस्टिक, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन। लेकिन मेन जो इसकी प्रॉपर्टी पूछी है ना, वो ये है कि ये ऑक्सीजन ट्रेवल कराने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 97% ऑक्सीजन ऑक्सीहीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रेवल करता है। अगर हीमोग्लोबिन नहीं है आपकी बॉडी के अंदर, आपका सर्वाइवल इम्पॉसिबल है आज के ऑक्सीजन कंटेनिंग एनवायरनमेंट के अंदर। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? रिवर्सिबिलिटी एंड इट्स बाइंडिंग। आंसर इज गोइंग टू बी सी, राइट? तो अगर किसी का गलत हो गया था तो इसको चेक कर लो। प्रॉपर्टी सारी की सारी है, सारी चीजें ठीक है, मना तो कोई कर ही नहीं रहा। लाल कलर का है, आयरन कंटेन करता है, ग्लोबिन प्रोटीन है, रिवर्सिबिलिटी बाइंड करता है, प्रॉपर्टी तो चारों ही है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ट्रेवल के माध्यम से रिवर्सिबली बाइंड करता है ऑक्सीजन से। फैक्टर्स एट टिश्यू लेवल दैट फेवर्स द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ऑक्सीहीमोग्लोबिन जब आया है टिश्यू तक, तो ऐसी क्या चीजें हैं जो ऑक्सीजन को उतार देंगी कि भैया टिश्यू में आ जाओ? क्या है वहां पर ऐसा टिश्यू के अंदर? लो पीओ टू, लो पीसीओ टू। भाई लो पीसीओ टू है तो क्यों ही उतरेगा ऑक्सीजन, पड़ा रहेगा। हाई पीसीओ टू चाहिए, हाई पीसीओ टू चाहिए, हाई पीसीओ टू चाहिए, हाई पीसीओ टू चाहिए, लेकिन लो पीओ टू चाहिए। तो इन दोनों में से एक आंसर आएगा। आप देखो, हाई एच पॉजिटिव और हाई टेम्परेचर चाहिए। कैडेट वाली ट्रिक लगा दो ना, इस ट्रिक से देखा कितने क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। CO2 हाई चाहिए, एसिडिटी हाई चाहिए, टेम्परेचर हाई चाहिए, तब ना डिसोसिएट होगा। तो सी करेक्ट होगा, डी नहीं, राइट? यानी एक रामबाण है हमारे पास ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को पढ़ने का, जिस ट्रिक का नाम है कैडेट राइट। यानी कैडेट वाले फैक्टर अगर बढ़ रहे हैं तो राइट साइड में कर्व शिफ्ट होगा। इस ट्रिक से आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। चाहे कोई ये पूछ ले भाई कर्व राइट जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है, या CO2 बढ़ने पे क्या हो रहा है, एसिडिटी बढ़ने पे क्या हो रहा है, पीएच लो होने पे क्या हो रहा है, एनीथिंग यू कैन सॉल्व, राइट? तो यहां पर क्या हो गया? 90 का सी हो गया। अभी तक की में कोई भी गलती नहीं आई है। 91, CO2 डिसोसिएट फ्रॉम कार्बमिनो हीमोग्लोबिन, यानी कार्बमिनो हीमोग्लोबिन जिसमें हीमोग्लोबिन नाम की गाड़ी पे कार्बन डाइऑक्साइड बैठ के जा रहा है, CO2 इससे कैसे छूटेगा एल्वियोलाई के लेवल पर जाकर? अब इसको हाई O2 चाहिए तो हाई PO2 चाहिए, और लो PCO2 चाहिए। हाई होगा तो क्यों ही उतरेगा? उत्तर क्या हो जाएगा? 91 का डी हो जाएगा। सिंपल सी बात है, अपोजिट कंडीशन चाहिए ना। CO2 तो बैठकर आ ही रहा है, अगर हाई PCO2 है तो और बैठ जाएगा। हमें क्या चाहिए? हाई O2 और लो PCO2, जो कि एक ही ऑप्शन में है, वही आपका करेक्ट। 92, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन कैन बी प्रमोटेड बाय, डिसोसिएशन को कैसे प्रमोट करें? लो PCO2 गलत हो जाएगा, लो बॉडी टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, हाई PCO2 बिल्कुल सही बात है, और हाई ब्लड पीएच, पीएच बढ़ा दोगे तो अल्कलैनिटी बढ़ेगी, एसिडिटी नहीं बढ़ेगी, तो ये बात भी आपकी गलत है। एक ही बात करेक्ट है, हाई PCO2। वैसे तो देखते ही समझ में आ गया था, बट समझाने के लिए आपको सारी चीजें बताई। कैडेट ट्रिक के हिसाब से भी आपको एसिडिटी बढ़ानी है, अल्कलैनिटी नहीं बढ़ानी, तो सिर्फ बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 93, द एंजाइम एसेंशियल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 एज बाइकार्बोनेट, CO2 को ऐसा कौन सा एंजाइम है जो H2O से कंबाइन कराएगा और बना देगा H2CO3, और इसे ब्रेक कर देगा HCO3 नेगेटिव के अंदर और H पॉजिटिव के अंदर, और उसके बाद ये आपके एल्वियोलस लेवल पर फिर से वाटर बना लेंगे और CO2 बना लेंगे। CO2 चला जाएगा बॉडी के बाहर, वाटर रह जाएगा बॉडी के अंदर। यहां पर एक एंजाइम लगता है, इसका नाम क्या है ये पूछा है, नाम क्या है इसका? CA मैंने लिख दिया है बेसिक, भाई कार्बोनिक एसिड बना रहा है ना, ये कार्बोनिक एसिड बना रहा है, और कब बनेगा कार्बोनिक एसिड? जब इस पे वाटर लगेगा CO2 पे। वाटर को क्या बोलते हो? हाइड्रो, राइट? तो कार्बोनिक एसिड बनाना है, कार्बोनिक एसिड बनाना है क्या लगाकर? हाइड्रो लगाकर, एनहाइड्रेस, हाइड्रो लगाना है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। नाम के पीछे लॉजिक है, नाम के पीछे लॉजिक है। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 93 का सी। 94, द करेक्ट अबाउट ह्यूमन रेस्पिरेशन, कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है?
अबाउट 90% ऑफ CO2 इज कैरीड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन 20-25% के आसपास। न्यूरल सिग्नल्स फ्रॉम न्यूमेटॉक्सिक सेंटर ऑफ पोन्स कैन इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन, ओके, कैन डिक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन। वर्कर्स इन ग्राइंडिंग स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज में सफर फ्रॉम लंग फाइब्रोसिस, एकदम करेक्ट बात है, इसे ऑक्यूपेशनल लंग डिसऑर्डर कह सकते हैं। और आपका सिगरेट स्मोकिंग जो है ये इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई कराता है, ये एल्वियोलर वॉल्स को डिस्ट्रॉय करता है। उत्तर क्या हो जाएगा 94 का सी, ये आपका ब्रोंकाई को नहीं एल्वियोलर वॉल को डिस्ट्रॉय करता है। इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स किसमें हो रहे थे, अस्थमा के अंदर हो रहे थे, राइट। आपका सिगरेट स्मोकिंग से क्या हो रहा था, एम्फिसीमा, अस्थमा नहीं हो रहा था। उत्तर क्या है आपका, सी। बची हुई सारी चीजों में हमने गलती निकाल दी, 90% नहीं है, 20-25% है, इंक्रीज नहीं है, डिक्रीज है, ब्रोंकाई नहीं है, एल्वियोलाई है, सिर्फ सी वाला आपका करेक्ट है, लंग फाइब्रोसिस हो सकता है। ये टर्म एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है, इसको थोड़ा सा नोट कर लो। लंग फाइब्रोसिस मतलब जो आपके फाइब्रस टिश्यूज है वो वहां पर प्रोलिफरेट करना, डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं, जिस वजह से दिक्कत हो जाती है रेस्पिरेटरी प्रोसेसेस को कंप्लीट करने में, राइट। वो होता है ऑक्यूपेशनल लंग डिसऑर्डर के दौरान, यानी सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस के दौरान। 95, चूज द राइट सिक्वेंशियल फेनोमेना ड्यूरिंग पैसेज ऑफ CO2 फ्रॉम ब्लड टू टिश्यू। CO2 ब्लड से टिश्यू में क्यों ही जाएगा। चूज द राइट सिक्वेंशियल फेनोमेना ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ CO2 फ्रॉम ब्लड टू टिश्यू। ब्लड टू टिश्यू तो ऑक्सीजन जाता है, CO2 नहीं जाता, लेकिन आपका बायकार्बोनेट बन रहा है आपका ऑप्शन के अंदर, यानी बात CO2 की हो रही है। देख लेते हैं कि सीक्वेंस क्या है आपका, एक बार देख लेते हैं। ब्लड टू टिश्यू नहीं है, टिश्यूज टू आपका एल्वियोलाई बोला होगा, पक्की बात है, जाहिर सी बात है यार, ब्लड टू टिश्यू क्यों ही आएगा डीऑक्सीडेटेड ब्लड। टिश्यू के अंदर तो ऑलरेडी बहुत सारा डीऑक्सीजनेशन वाला ब्लड पहले ही मौजूद है। एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2 बाय ब्लड, एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2 बाय ब्लड, ठीक है। रिएक्शन ऑफ CO2 विद वाटर फॉर्मिंग बाय ये आपका कार्बोनिक एसिड इनसाइड आरबीसी और उसके बाद बाय कार्बोनेट और प्रोटॉन, ठीक है, ये भी ठीक है। रिएक्शन ऑफ CO2 विद वाटर फॉर्मिंग बाय कार्बोनेट रिपीट हो रहा है इनसाइड प्लाज्मा, ये नहीं होगा, तो ये बात गलत हो गई। कंबिनेशन ऑफ H पॉजिटिव विद हीम पार्ट ऑफ HBO2 टू रिलीज O2, कंबिनेशन ऑफ H पॉजिटिव ऑफ हीम पार्ट या कंबिनेशन ऑफ HCO3 विद हीम पार्ट टू फॉर्म HBO2। H पॉजिटिव तो कंबाइन हो जाएगा डिसोसिएशन कराने के लिए, बाय कार्बोनेट कंबाइन नहीं हो सकता, राइट। तो क्या हो जाएगा, ये वाली बात आपकी करेक्ट हो जाएगी, ये वाली बात गलत हो जाएगी। कौन सी चीजें सही हैं आपकी, P सही है, Q सही है और आपकी S सही है, P Q S सही है। सबका आंसर 3 आ रहा है, सबका आंसर C आ रहा है, ओके। युविका, मालवी, अंजलि, एब्सोल्युटली करेक्ट, ओके। अंकित, एब्सोल्युटली करेक्ट। इसको टिश्यू टू ब्लड कर लो, ये बात बस आपकी गलत, जाहिर सी बात है, टिश्यू टू ब्लड या टिश्यू टू एल्वियोलाई कर लो, क्या भाई एल्वियोलाई तक आगे कैसे जाएगा ये बायकार्बोनेट की फॉर्म में। तो तीन बातें सही है आपकी, ये वाली बात गलत है, आपका बायकार्बोनेट बाइंड नहीं करेगा HBO2 से, कैडेट नाम के ट्रिक के हिसाब से प्रोटॉन तो इसको अफेक्ट कर सकता है, प्लाज्मा में कार्बोनिक एनहाइड्रेज उतना ज्यादा नहीं होता कि बहुत बढ़िया कार्बोनिक एसिड बन जाए, आरबीसी के लिए ठीक है और पहली बार ठीक है, तो पीक्यूएस आपका हो जाएगा, उत्तर आना चाहिए सी। बहुत ही ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि एक एक वर्ड में, छोटे छोटे वर्ड में कंफ्यूजन दे रखी है। 96, द ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 बाय ब्लड इज प्राइमरीली डिपेंडेंट ऑन द CO2। अगर आपकी ब्लड से ट्रांसपोर्ट हो रही है तो किस चीज पर डिपेंड करेगा वो ट्रांसपोर्ट, सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन ब्लड, प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज इन आरबीसी, द एबिलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू बाइंड एंड ट्रांसपोर्ट CO2, एबिलिटी ऑफ अदर ब्लड प्रोटीन्स। प्राइमरीली बोला है, देखो सबसे ज्यादा किस चीज पर डिपेंड करेगा, प्राइमरीली CO2 किस फॉर्म में ट्रेवल करता है, 70% बायकार्बोनेट की फॉर्म में, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज वाला सबसे ज्यादा मैटर करेगा ना, बाकी सारी चीजें बाद में आएंगी। प्लाज्मा के थ्रू बहुत कम हो रहा है, 7% हो रहा है, 20-25% आपका हो रहा है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, तो बाकी सारी चीजें कम है, 70% फैक्टर सिर्फ यही वाला आपका टेक केयर कर रहा है। तो 96 का आंसर क्या है आपका, बी, अभी तक की में एक भी गलती नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है।
राइट। 97 पिक द करेक्ट स्टेटमेंट, सही बात का पता लगाना है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल लिफ्ट अप द रिब एंड स्टर्नम, यानी आपकी थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ेगी जब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स आपके कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल होना चाहिए। आरबीसी ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन ओनली, ओनली बड़ा खतरनाक वर्ड है, CO2 को भी ट्रेवल करवाता है। थोरेसिक कैविटीज एनाटॉमिकली एन एयर टाइट चैम्बर, थोरेसिक कैविटी एनाटॉमिकली एयर टाइट है, यह बात करेक्ट है। क्यों? ऊपर से तो बाहर निकल नहीं सकते, लंग्स चेंज नहीं कर सकते अपनी वॉल्यूम को, नीचे डायफ्राम है, आगे स्टर्नम है, पीछे वर्टिब्रल कॉलम है और लेटरली आपके रिब्स है, ये बात करेक्ट है। हेल्दी मैन कैन इंस्पायर अप्रोक्सीमेटली आधा लीटर एयर पर मिनट, पर मिनट में भाई 6000 से 8000 ml निकाल लेता है हवा। ड्यूरिंग एक्सपीरेशन इंटरप्लूरल प्रेशर इज स्लाइटली बिलो द एटमोस्फेरिक प्रेशर, अगर एटमोस्फेयर में प्रेशर ज्यादा है और लंग्स के अंदर प्रेशर कम है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर इंस्पिरेशन हो जाएगी, एक्सपिरेशन नहीं होगी, तो इंस्पिरेशन के लिए करेक्ट है। सारी बातें गलत है, सी आपका सही है, हमने प्रूफ कर दिया है, जिस जिस में गलती है हमने काटा लगा दिया है, सिर्फ सी आपका करेक्ट है। 98 रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर किस पार्ट में है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। पॉन्स में क्या है, पी फॉर पॉन्स, पी फॉर न्यूमोटैक्सिक सेंटर, पी फॉर पॉन्स, पी फॉर न्यूमोटैक्सिक। और इस रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के एडजेसेंट कुछ कीमो सेंसिटिव एरियाज भी होते हैं, और वो कीमो सेंसिटिव एरियाज किस चीज के प्रति सेंसिटिव होते हैं, अगर आपका प्रोटॉन का अमाउंट बढ़ा, अगर आपका CO2 का लेवल बढ़ा, तो ये कहते हैं कि भैया फटाफट फटाफट इनकी इनको बाहर निकालो बॉडी से, और ऑक्सीजन का जो लेवल है वो यहां पर इनसिग्निफिकेंट होता है, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑक्सीजन थोड़ा ज्यादा भी है कोई दिक्कत नहीं है, इनसिग्निफिकेंट होता है। ठीक है, ये आपकी बातें हैं, अभी इनिशियली इसीलिए बता दिया क्योंकि एनसीईआरटी का सेम आर्टिकल है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे आगे। न्यूमोटॉक्सिक सेंटर कहां प्रेजेंट है, पी फॉर न्यूमोटॉक्सिक, पी फॉर पॉन्स, काम खत्म, एक सेकंड के अंदर उत्तर हजम। ह्यूमन बींग्स हैव सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट रेस्पिरेटरी रिदम, रेस्पिरेटरी रिदम को हम कंट्रोल कर सकते हैं टू द डिमांड्स ऑफ बॉडी टिश्यूज, ये किसके थ्रू हो पाता है, एंडोक्राइन सिस्टम, क्या यहां पे कहीं पर हार्मोनल रेगुलेशन हुई थी, एक्सक्रीटरी सिस्टम, कोई रोल ही नहीं है, तो ऑल ऑफ दिस हो नहीं सकता। एंडोक्राइन और न्यूरल में से कौन सा होगा, डाइजेशन आपका न्यूरो एंडोक्राइनल रेगुलेशन शो करता है, वहां पे हॉर्मोन्स भी बन रहे थे, सिक्रेटिन, गैस्ट्रिन, इनहिबिन, विलिकाइनिन, कोलेसिस्टोकाइनिन, काफी हॉर्मोन्स बन रहे थे, और न्यूरल कंडक्शन तो थी ही लोकल और सीएनएस के थ्रू, यहां पर एंडोक्राइन रेगुलेशन नहीं होती, न्यूरल रेगुलेशन होती है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर यानी मेडुला से, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर यानी आपके पोन्स से, एंड उसके साथ साथ आपके कीमोसेंसिटिव एरिया से जो कि इनके एडजेसेंट रीजन में प्रेजेंट होते हैं। उत्तर क्या हो जाएगा, 100 का भी बैट बॉल्स हमने उठा दिए हैं, बहुत बढ़िया सेंचुरी हमने मार दी है, 30 क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं, आई होप जल्दी जल्दी खत्म हो जाए यार, गर्मी बहुत है यहां पर, 45 डिग्री सेल्सियस तापमान है और ऐसी तैसी हो रखी है भाई, बहुत गंदी वाली क्योंकि एसी चल नहीं रहा है और कमरा मेरा रहता है बंद, तो इसमें बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, बहुत ज्यादा गर्मी रहती है भाई, मैं क्या बताऊं, तर बतर हो गए पसीने से। लाइट की सेटिंग कुछ ऐसी है कि पता नहीं तुम्हें दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, पर बहुत बुरी हालत है मेरे दोस्त, तो रात को एक बार लाइट आएगी तब लेंगे अच्छे से एसी वेसी चला के सेशन, अभी तो बहुत दिक्कत हो रही है। जल्दी जल्दी भगते हैं भाई, 30 क्वेश्चन करा के, 2 घंटे का टाइम लग ही गया, और एवरेज सोचा था 2 घंटे में हो जाएगा, 2 घंटे का टाइम लग जाएगा आराम से, राइट। चल 101 डैश सेंसिटिव एरिया, ऑप्शन देख लो, थर्मो सेंसिटिव, थिक्मो सेंसिटिव नहीं, कीमो सेंसिटिव हो गया, तो ये दोनों पहले एलिमिनेट हो गए। कीमो सेंसिटिव एरिया जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के एडजेसेंट प्रेजेंट है, किस किस के थ्रू सेंसिटिव होते हैं, किस किस के प्रति सेंसिटिव है, प्रोटॉन और CO2, ऑक्सीजन तो इनसिग्निफिकेंट है, लिखवाया था मैंने CO2 और हाइड्रोजन, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो यहां पर अभी लिखवाया था कि O2 इनसिग्निफिकेंट एफर्ट दिखाता है, हाइड्रोजन और CO2 या प्रोटॉन और CO2 कीमो सेंसिटिव एरिया को ट्रिगर करते हैं। उत्तर क्या आ जाएगा, 101 का डी। 102 ऑल द फॉलोइंग फैक्टर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर एक्सेप्ट, CO2 अफेक्ट करता है, प्रोटॉन इफेक्ट करता है, O2 इनसिग्निफिकेंट था, मैंने आपको बताया था, सेम क्वेश्चन रिपीट होकर क्या है, एक लाइन से कई क्वेश्चन आ सकते हैं, इनसिग्निफिकेंट है, सी आपका करेक्ट हो जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
ठीक है, एक्सेप्ट पूछा है ना, क्योंकि यानी कौन सा इंपॉर्टेंट रोल अदा नहीं कर रहा ऑक्सीजन। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, गंदी बात का पता लगाना है। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम न्यूमोटॉक्सिक सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन, एकदम सही है, रिड्यूस करता है, पीछे हमने इसको करेक्ट किया था। रोल ऑफ ऑक्सीजन इन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट सिग्निफिकेंट, गलत है, इनकरेक्ट बताना है। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में लिखा था इज इनसिग्निफिकेंट, तो ये बात गलत हो जाएगी, बी आपकी गलत बात है, यानी यही आंसर है। आरबीसी कंटेन वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस, जो आपका क्या बनाएगा, आपका बनाएगा कार्बोनिक एनहाइड्रेस, जो है कार्बोनिक एसिड बनाएगा, प्लाज्मा में भी प्रेजेंट होता है, थोड़ा कम। CO2 इज कैरिड बाय हेमोग्लोबिन, कार्बामिनो हेमोग्लोबिन बनाता है 20-25%, 70% आपका क्या था बाइकार्बोनेट और 7% के आसपास आपका प्लाज्मा के थ्रू, तो बी आपकी गलत बात है सिर्फ। 104 रिसेप्टर्स एसोसिएटेड विद एरोटिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी कैन रिकॉग्नाइज द चेंजेस इन, किन चीजों में चेंजेस आए कि ये आपका कंट्रोल कर ले और अपने रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को बताएं कि भैया एक्सक्रीशन कराओ इनकी। वही बात है CO2 और प्रोटॉन, ऑक्सीजन इनसिग्निफिकेंट है, ऑक्सीजन इनसिग्निफिकेंट है, CO2 प्रोटॉन एपन्यूस्टिक सेंटर को नहीं बताता, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर यानी मेड्यूला को बताता है कि भैया चेंज आ गए हैं, क्योंकि मेन सेंटर कौन है रेस्पिरेटरी रिदम रेगुलेशन का, मेड्यूला, उसको बताएगा। 104 का उत्तर क्या हो जाएगा, बी। 105 कार्बोनिक एनहाइड्रेज हाई कंसंट्रेशन में कहां पाया जाएगा, अभी लास्ट लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कार्बोनिक एनहाइड्रेज मैक्सिमम कंसंट्रेशन में कहां पाया जाएगा, ल्यूकोसाइट, प्लाज्मा, एरिथ्रोसाइट या लिम्फोसाइट, मैक्सिमम कहां पाया जाएगा, अगर एक ही बताना है तो हाई कंसंट्रेशन में आरबीसी के अंदर पाया जाता है, राइट, जो करेक्ट स्टेटमेंट थी लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में, देखो आरबीसी में हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज है और थोड़ा आपका प्लाज्मा के अंदर भी है, तो हाई कंसंट्रेशन कहां पाई जाएगी, एरिथ्रोसाइट के अंदर। 105 का उत्तर हो जाता है सी। 106 द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ नॉर्मल ब्रीदिंग इन मैमल्स, यानी नॉर्मल ब्रीदिंग कैसे होती है, रिदम कौन रेगुलेट करता है, नॉर्मल जो आप सांस लेते हो एक मिनट में 12 से 16 वक्त, वो कौन रेगुलेट करता है, आपका रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, रिदम सेंटर कौन है, आपका मेड्यूला, काम खत्म, बाकी सारे तो रेस्पिरेशन से रिलेटेड नहीं है बहुत ज्यादा हद तक, पोन्स और मेड्यूला ही है, मेड्यूला रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है और पोन्स आपका न्यूमोटॉक्सिक सेंटर है। 107 नंबर ऑफ आरबीसीज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज लाइकली टू बी हायर इन अ पर्सन लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड बिकॉज, यानी ऊपर जो पर्सन रहता है पहाड़ी इलाके में उसके अंदर आरबीसी का नंबर ज्यादा है, क्यों, क्योंकि वहां की एयर साफ है, क्योंकि वहां पर सनशाइन ज्यादा है, क्योंकि वहां पर वेजिटेशन ज्यादा O2 देती है, क्योंकि वहां पर एयर लेस डेंस है। भाई ऊपर कहा जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, हवा का दबाव कम है, तो ऑक्सीजन कम है तो ज्यादा आपको सांस खींचनी पड़ेगी, प्लस आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा ऑक्सीजन स्टोरेज के लिए ज्यादा आरबीसी और ज्यादा मायोग्लोबिन होना चाहिए, तो यहां पर क्या है भैया एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेस है तो ज्यादा आरबीसी की जरूरत पड़ेगी। आप भी जब कहीं घूमने जाएंगे पहाड़ी इलाके पे तो 2-3 दिन आपको अजीब सा लगेगा, राइट, नौजिया की फीलिंग आएगी, जी घबराने लगेगा, हार्ट पाल्पिटेशन, दिल जोर जोर से धड़केगा, पसीना आ जाएगा, चक्कर आने लगेंगे, घूम घाम के गिर जाओगे, लेकिन 1-2 दिन बाद नॉर्मल हो जाओगे, उसे क्या कहते हैं एक्लिमेटाइजेशन प्रोसेस, ऑटोमेटिकली आरबीसी का लेवल आपके अंदर शूट हो जाएगा और आप वहां के वातावरण में ढल जाएंगे, ठीक है, एक्लिमेटाइज हो जाएंगे। 108 वीजिंग साउंड इज प्रोड्यूस बाय, वीजिंग किस बीमारी में होती है, अस्थमा, एम्फिसिमा, सिलिकोसिस, न्यूमोनिया, ओके, कीर्ति जरूरी नहीं सबके साथ हो, मतलब मैं भी नॉर्मली चला जाता हूं, लेकिन काफी लोग जो है वो गाड़ी में ही पहले तो बहुत एक्साइटेड रहते हैं, चलो चलेंगे मनाली, फाड़ देंगे मनाली को बीच में से, और फिर गाड़ी में उल्टी कर करके आधे हो लेते हैं, मतलब पहुंचते हैं तब तक तो आराम से सो जाते हैं बैठ करके, कोई एंजॉयमेंट नहीं वहां पे, आराम से गीली पट्टी उनके माथे पे रखते रहो, ना उनके चक्कर में कहीं तुम कहीं जा सकते ना कहीं आ सकते, पहले वो इतने एक्साइटेड होते हैं, बाद में उन बीमारों मरीजों को लेकर पड़े रहो तुम भी एक कमरे के अंदर, तुम्हारा भी प्लान चौपट हो जाता है घूमने का, ऐसी कई चिरांद किस्म के दोस्त थे हमारे साथ गए थे तो उनके साथ कभी मत जाओ भाई, ऐसा बंदा जिसको गाड़ी में उल्टी आती है उसके साथ कहीं मत जाओ, ये जिंदगी का थंब रूल है, कहीं लिख लो कॉपी वॉपी के अंदर, जो गाड़ी में नहीं सहन कर सकता ना कुछ पहाड़ी रस्ते पे, उसको कभी हिल स्टेशन मत लेके जाओ भाई, कि हाँ भाई हिल स्टेशन जाएंगे बहुत मजा करेंगे, यू नो देश को तो
बीच में से उड़ा देंगे हम लोग, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये लोग, इनके बस का कुछ नहीं रहता, इनसे प्लान बनवा लो बस, एक साल में तो ये हाँ बोलेंगे, एक साल में पैसा इकट्ठा होगा, हाँ बोलने के बाद वहां पे जाके पूरा रस्ते में ही कबाड़ा कर देंगे। तो सीधी सी बात है, फिर इनको पेप्सी पिलाते रहो, सोडा पिलाते रहो, बस उसी में पूरा दिन निकल जाता है। घूमने फिरने का तुम कुछ सोच नहीं सकते, अकेले अकेले गए तो पूरी जिंदगी तुम्हें गाली देके परेशान कर देंगे भाई कि मैं वहां पे बीमार था, तुम चले गए, ये हो गया वो हो गया, इनके साथ कभी मत जाओ। सीधी सी बात है, मतलब छोटी सी विजिंग साउंड कहां पर, ऑप्शन बताओ झटपट, अस्थमा, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंका एंड ब्रोंकियोल्स, ठीक है। एक सुन लो, मेजर कॉज ऑफ एम्फिसीमा, एग्जांपल इज मुकेश, मुकेश गुटका, वेरी फेमस गाय। सिगरेट स्मोकिंग, इससे क्या होता है आपका एम्फिसीमा हो जाता है। एल्वियोलाई की वॉल्स जो है आपकी खराब होने लगती है, उनका सरफेस एरिया कम हो जाता है, तो सांस आपकी ठीक से उन एल्वियोलाइज को फुला नहीं पाएगी, एक्सचेंज बढ़िया नहीं हो पाएगा, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। मैच द कॉलम, अस्थमा क्या है, इन्फ्लेमेशन ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स, एम्फिसीमा, एल्वियोलर वॉल्स यहां पर डिग्रेड हो जाएंगी, ऑक्यूपेशनल लंग डिसऑर्डर, बहुत लंबे समय तक अगर आप एक जगह पर काम करते हो जहां पर डस्ट पार्टिकल्स वगैरह है तो फाइब्रोसिस आपको हो जाएगा, यानी 1 का A, 2 का B, 3 का C देख लो, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 110 का ए डायरेक्टली सारे आमने सामने दिए हुए हैं, तो दिक्कत नहीं है इनको ढूंढने में। 111, एम्फिसीमा इज अ कार्डियोवास्कुलर डिजीज, क्या ये हार्ट की डिजीज है, क्या ये रीनल डिजीज है, किडनी की डिजीज है, क्या ये लंग में पेन की डिजीज है, या ये पल्मोनरी डिजीज है, सिर्फ लंग की डिजीज है, या आपकी पल्मोनरी डिजीज है मेरे दोस्त, लंग की डिजीज है जिसमें एल्वियोलाई इफेक्ट होते हैं, एल्वियोलाई इफेक्ट होते हैं, ठीक है। 112, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट ऑक्यूपेशनल लंग डिसऑर्डर, गलत बात कौन सी है, इट अकर्स इन सम इंडस्ट्रीज एस्पेशली दोज इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग एंड स्टोन ब्रेकिंग, यानी सीमेंट इंडस्ट्री है जहां पर पत्थर वत्थर पीसे जाते हैं, डस्ट है आसपास, तो वो डस्ट आपके लंग्स में अक्यूमुलेट हो जाती है लंबे टाइम तक आप उसके सामने एक्सपोज रहे तो, जैसे जो ट्रैफिक कॉन्स्टेबल्स है इनको भी अक्सर ऑक्यूपेशनल लंग डिसऑर्डर्स देखे जाते हैं, क्योंकि सारे दिन वहां पर धूल मिट्टी उड़ती रहती है, तो इनको मास्क पहनने की हिदायत दी जाती है। लॉन्ग एक्सपोजर इन सच इंडस्ट्रीज लीडिंग टू फाइब्रोसिस, यानी फाइबरस टिश्यू जो है लंग्स में ये प्रोलिफरेट करने लगेगा और वो फाइबर जम जाएंगे लंग्स के अंदर, सांस लेने में तकलीफ होगी और परमानेंटली लंग्स डैमेज हो जाएंगे, ये रिवर्सिबल नहीं रहते, परमानेंट डैमेज हो जाएगा लंग्स को। वर्कर इन सच इंडस्ट्रीज कैन बी प्रोटेक्टेड बाय वियरिंग प्रोटेक्टिव मास्क, तो सारी बातें सही है, तो इनकरेक्ट कौन सी होगी, लास्ट वाली होगी, इट इज एन एलर्जिक डिजीज ऑलवेज, देखो यार ऑलवेज ना एक कंफर्मेटिव टर्म है, ऑलवेज मतलब हमेशा, एक बार भी ऐसा नहीं है कि एलर्जिक ना हो, तो भाई दिक्कत है ना, ग्रामर से पकड़ लिया हमने, ऑलवेज ऑल राइट, ये सारी चीजें बहुत बहुत ज्यादा गलत होती है, ओनली एकदम ये स्पेसिफिक बात होती है, या इसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता, ओनली मतलब एक बैरियर लगा दिया, इसके बाहर नहीं जा सकते अब तो ये बातें गलत होती हैं, इट इज वेरी वेरी डेंजरस, एग्जैक्टली। 113, रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर लाइज इन, रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर बोला है, यानी कंट्रोल कौन कौन करेगा, रेस्पिरेटरी रिदम को कौन कंट्रोल करेगा, स्पेलिंग देख लो भाई क्या हो गई आज पढ़ाते पढ़ाते, रिदम, रिदम कौन कंट्रोल करेगा, मेडुला, और न्यूमोटॉक्सिक सेंटर क्या करेगा, एक्सेसिव रेगुलेशन करेगा उसका, एक्सेसरी रेगुलेशन, बोथ एंड वी विल बी करेक्ट, आपसे तो पूछा ना कंट्रोल कौन करेगा, रिदम को कंट्रोल करेगा मेडुला, और कुछ चीजों के रिस्पॉन्स को देख करके मेडुला को सिग्नल कौन देगा, पोन्स, दोनों ही बातें करेक्ट है। 114, टू फ्रेंड्स आर ईटिंग टूगेदर इन अ डाइनिंग टेबल, वन ऑफ देम सडनली स्टार्ट कफिंग वाइल स्वेलोइंग सम फूड, यानी खाना गटकते टाइम खांसी आ गई, भाई एपिग्लॉटिस वाला चक्कर है, दिस वुड बीन ड्यू टू द इम्प्रॉपर मूवमेंट ऑफ, सीधी सी बात है यार, ऐसा थोड़ी है कि भैया जीभ राइट एंगल में घुमानी थी और गलती से पीछे ले ली तो दिक्कत हो गई, ऐसा तो है नहीं, नेक अब खाते खाते ऐसा ऐसा कौन ही करेगा, डायफ्राम की मूवमेंट तुम कर सको तो भाई बहुत बढ़िया बात है, ठीक है, एपिग्लॉटिस इज द करेक्ट थिंग, खाना खाते टाइम दिक्कत यहीं पे हो सकती है बस, कि फूड का जो कंपोनेंट है वो विंड पाइप के अंदर एंट्री करने की कोशिश कर रहा हो। अब देखो भाई ये नेक वाला अगर तुम सही समझते हो, देखो भाई मुजरा करने का शौक खाता खाते टाइम किसी को नहीं होता, कि हाँ भाई नाच पहले ले खाना देखा जाएगा, टंग भी इररिलेवेंट है, डायफ्राम का क्या ही लेना देना जब खाना यहीं से आपका खांसी यहीं पे स्टार्ट हो गई है, तो अल्टीमेटली एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, तो कोई ऐसी खतरनाक बात नहीं है। 115,
Which one of the following is a possibility for most of us in regard to breathing by making a conscious effort? इनमें से कौन सी चीज पॉसिबल है, सबसे ज्यादा पॉसिबल है, राइट, एक कॉन्शियस एफर्ट के साथ? वन कैन ब्रीद आउट एयर टोटली विदाउट ऑक्सीजन, यानी हमारे अंदर एक मशीन लगी हुई है कि बिल्कुल भी ऑक्सीजन बाहर नहीं निकलेगी, कतई, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड छांट करके, नाइट्रोजन छांट करके हम लोग अपनी मर्जी से बाहर भेज सकते हैं। इज दैट पॉसिबल? नो। वन कैन ब्रीद आउट एयर थ्रू यूस्टिशियन ट्यूब बाय क्लोजिंग बोथ नोज एंड माउथ, यानी आपने अपने नाक को बंद कर लिया है और मुंह को बंद कर लिया है और अब आप चाहते हैं कि यूस्टिशियन ट्यूब से हवा बाहर निकल जाए। देखो, तुम ट्राई करके देख लेना, अगर तुम नाक और मुंह बंद कर लेते हो तो भी यूस्टिशियन ट्यूब से हवा बाहर नहीं निकलेगी, समझ रहे हो ना तुम? काफी चीजें हैं शरीर में, मतलब ऐसे मजाक है ये, ट्राई मत करना, कहीं स्टंट करते करते मर गए, किसी को क्या बताओगे कि मौत का कारण क्या है, कि नाक और मुंह बंद करके सांस छोड़ने की कोशिश कर रहा था, मतलब मौत ऐसी हो जो किसी को बता पाओ, हाँ भाई हार्ट अटैक हो गया, समझ लो गैस्ट्राइटिस हो गया, ये हो गया, कुछ अच्छी बीमारी हो ना, तगड़ा, ये नहीं कि हाँ भाई खाली रोड पे गाड़ी ठोक दी, सड़क पे कुछ नहीं था, ना पेड़ ना गाड़ी, पलट गए, खुद ही पलट गए फुद्दुओं की तरह। तो मौत ऐसी हो जो बताने लायक हो ना, कोई सुने तो हाँ कि हाँ मरा है, ऐसा नहीं कि हाँ एक फुद्दू था भाई, कुछ एक्सपेरिमेंट करते करते मर गया लेक्चर देखते देखते, और सामने मेरे को और पकड़वा दोगे, मैं चल रहा हूँ स्क्रीन पे, मेरी और बैंड बजवा दोगे, तो अभी मत ट्राई करना। इस यूस्टिशियन ट्यूब का नंबर बहुत बाद में आएगा, ठीक है, बाकी तुम समझदार हो ही अच्छे तरीके से, तुम्हारे इमोटिकॉन से पता लग ही रहा है। वन कैन कॉन्शियसली ब्रीद आउट बाय मूविंग डायफ्राम अलोन विदाउट मूविंग रिब्स, कोशिश कर सकते हो, ये पॉसिबल एक हद तक हो भी सकता है, काफी लोग कर सकते हैं, ये आपका फिजिबल है। लंग्स कैन बी मेड फुल्ली एम्प्टी बाय फोर्सफुली ब्रीदिंग, बहुत ज्यादा जोर लगा दिया तो वही दिक्कत है यार, ऑप्शन बी वाली दिक्कत हो जाएगी, इतना जोर मत लगाओ कि ईआरवी के बाद की हवा मुंह से और नाक से ना निकल के कहीं और से निकल जाए, समझ लो, ईआरवी तक हमारे बस में है, रेजिडुअल वॉल्यूम फिर देखो भाई वो बड़ी खतरनाक चीज हो जाएगी, तो इसीलिए लिमिटेड जोर लगाओ, इतना भी योगा मत करो कि तुम्हें देख के हंसे लोग कि ये कैसा योगा कर रहा है, समझो कि लोग दूर दूर से देखने आए तुम्हें योगा करते हुए कि यार ये लड़का बड़ा तगड़ा योगा करता है एकदम अलग ही, कि रेजिडुअल वॉल्यूम तक बाहर फेंक देता है, बढ़िया, ओके, तो सी इज मोर फिजिबल, बाकी सारी चीजें नहीं, 115 का सी करेक्ट हो जाता है। तो मुझे बातों में लगा लेते हो हंसा हंसा के, गरीब आदमी को, उसके बाद क्लिप काट काट के डालोगे, ओके आज पक्का टैग हो जाऊंगा मैं एक जगह पे, इंस्टाग्राम पे ना एक कोई डाल देगा ये काट पीट के, अब मुझे डर लग रहा है दोस्त। चलो 116, कार्टिलेजिनस रिंग इन रेस्पिरेटरी पैसेज आर प्रेजेंट इन ट्रैकिया ओनली, बहुत खतरनाक चीज है, ट्रैकिया एंड डायरेक्ट इनिशियल ब्रोंकियोल्स ओनली, ट्रैकिया ब्रोंका इनिशियल ब्रोंकियोल्स, कौन सा सुनने में अच्छा लगता है, कौन सा फिजिबल लगता है? सी, जाहिर सी बात है भाई, बाकी में ओनली आ गया है ना, बैरियर टिका दिया है, सिर्फ ट्रैकिया में, सिर्फ इनिशियल ब्रोंकियोल्स में, राइट, ट्रैकिया ब्रोंका इनिशियल ब्रोंकियोल्स में हो सकता है, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में नहीं होता, उत्तर हो जाएगा आपका सी। 117, Which of the following represents a larger volume of air than it is normally found in resting tidal volume or human lung? Which of the following represent a larger volume than that is normally found in the tidal volume? TV से ज्यादा volume किसकी है? IRV 2500 से 3000 ml, ज्यादा है 500 से, ERV 1000 से 1100, residual volume 1100 से 1200, सारी 500 से ज्यादा है, all of these would be correct. सबकी हो जाएगी, ऑल ऑफ दिस वुड बी करेक्ट। 118, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, सही बात बतानी है, ट्रैकियल रिंग हैव हाइलीन कार्टिलेज, ठीक बात है, एक और देख लेते हैं, और स्टेटमेंट देख लेते हैं, बात ठीक है वैसे, और ट्राई कर लेते हैं कुछ बढ़िया मिल जाए तो, डॉर्सल साइड ऑफ थोरेसिक चैम्बर फॉर्म्ड बाय स्टर्नम, डॉर्सल नहीं होती, वेंट्रल साइड स्टर्नम बनाता है, डॉर्सल साइड कौन बनाता है, वर्टिब्रल कॉलम, एक्सपिरेशन अगर व्हेन देयर इज नेगेटिव प्रेशर इन लंग्स, अगर लंग्स में प्रेशर कम है और बाहर प्रेशर ज्यादा है तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर इंस्पिरेशन होगी, एक्सपिरेशन नहीं होगी, इंस्पिरेशन होगी, एक्सपिरेशन नहीं होगी, तो ऑल ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये दोनों बातें गलत हो गई, आपका ए करेक्ट है, यानी हाइलीन कार्टिलेज लगी रहती है ट्रैकियल रिंग्स में, इलास्टिक कार्टिलेज थी आपकी एपिग्लॉटिस में, हाइलीन यानी ग्लास लाइक कार्टिलेज है ट्रैकियल रिंग के अंदर। 119, 6000 से 8000 ml ऑफ एयर इज, यानी 6 से 8 लीटर, सुनते ही समझ में आ गया क्या है क्वेश्चन, 500 500 ml 12 से 16 बार गिन लो,
क्या हो गया ये? वाइटल कैपेसिटी है? नहीं। वॉल्यूम ऑफ नॉर्मल एक्सपिरेशन पर मिनट, एक मिनट में 12 से 16 बार, जाहिर सी बात है यही। सम ऑफ ईआरवी आईआरवी? नहीं। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी? नहीं। आंसर क्या है? बी। सिंपल सी बात है। 120 द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन लंग आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद लंग में क्या बचा? नॉर्मल एक्सपिरेशन करी यानी जो जोर से लगा सकते थे एक्सपिरेशन में, ईआरवी वो बच गई और रेसिडुअल वॉल्यूम बच गई। तो ईआरवी और रेसिडुअल वॉल्यूम के सम को क्या बोलते हो? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। भाई नॉर्मल एक्सपिरेशन ना, तो ईआरवी भी बच गई और आरवी भी बच गई, इसे क्या बोलते हो? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। उत्तर क्या हो जाएगा? 120 का डी। डन। 121 A large proportion of oxygen is left unused in the human blood even after its uptake by body tissue. This O2. ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं कि काफी ऑक्सीजन अनलोड नहीं होता, बॉडी में पड़ा रहता है, किसका माता है? एक्सरसाइज के दौरान, तो एक्ट एज रिजर्व ड्यूरिंग मस्कुलर एक्सरसाइज। अभी क्या था थोड़ी देर पहले, याद होगा सबको, सेम क्वेश्चन है, सेम ऑप्शन है, कुछ किया ही नहीं। नॉर्मल आपका आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, नॉर्मल आपका आंसर आ जाएगा बी। 122 बल्क ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज फ्रॉम बॉडी टिश्यूज इन टू ब्लड इज प्रेजेंट इन। बल्क ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो बॉडी टिश्यू से रिलीज हो गया है ब्लड में, ये किस फॉर्म में पाया जाता है? बायकार्बोनेट इन ब्लड प्लाज्मा एंड आरबीसी, फ्री CO2, 70% कार्बामिनोहेमोग्लोबिन इन आरबीसी। 70% किस फॉर्म में पाया जाएगा? बायकार्बोनेट के फॉर्म में। ज्यादातर इसमें से आरबीसी में पाया जाएगा, कुछ आपका प्लाज्मा में पाया जाएगा, दोनों में ही कार्बोनिक एनहाइड्रेट है। तो 122 का उत्तर क्या हो जाता है? 122 का उत्तर हो जाता है ए। 123 70% था ना ये, तो इसको लिख भी देते हैं कि मोस्ट, ये बल्क बोला है ना, सबसे ज्यादा जो है उसका हमें बताना है। 123 नेम द ब्लड वेसल A2D। अब A2D देखो, यहां से आपका इसके अंदर ऑक्सीजन लोड हो चुका है, ऑक्सीजन आपके हार्ट तक जा रहा है लंग्स से प्योरीफाई होकर। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेकर के आएगा? पल्मोनरी वेन, ये इकलौती ऐसी वेन है जो कि लेकर आएगी पल्मोनरी वेन। यहां पर फिर हार्ट से आपका ब्लड कहां चला गया? ऑर्गन्स में। ऑर्गन्स में चला गया तो किसके थ्रू चला गया भाई? एरोटा के थ्रू चला गया, यानी मेन आपकी सिस्टेमिक आर्टरी हो गई, सिस्टेमिक आर्टरी बोल दो। ठीक है, यहां पर क्या हो गई? यहां पर यह चीज जो है यह आपकी हो गई सिस्टेमिक वेन, सिस्टेमिक वेन वेना केवा हो गई, और यहां पे आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग में चला गया प्योरीफाई होने के लिए, यह क्या हो गई आपकी पल्मोनरी आर्टरी हो गई। भाई नीचे देख लो कौन सा मैच हो रहा है, नीचे देख लो कौन सा मैच हो रहा है। 123 का आंसर क्या है? सबका ए आ रहा है, एकदम ए आ रहा है, एकदम सही। ठीक है, ए पल्मोनरी वेन सीधा ही मैच हो गया, ए पल्मोनरी वेन सीधा ही मैच हो गया, काम खत्म 123 का, क्योंकि आज ही हमने पढ़ा है ना ब्लड वास्कुलर सिस्टम, आराम से सॉल्व हो जाएगा। आज सुबह बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन किया था, उसमें चारों चीजों का नाम देखा था, सिस्टेमिक आर्टरी सिस्टेमिक वेन की जगह एरोटा और वेना केवा पढ़ा है, वो भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टडी द अकंपनिंग फिगर, यहां जो फिगर दी है इसके बारे में पढ़ो। ए आपका सबसे पहले अलग कर लो, ए क्या है आपके लाल लाल आरबीसी, ये क्या है भाई आपका बीच का सब्सटेंस है, क्या है बेसमेंट सब्सटेंस, ये आपका बी है क्या है एल्वियोलाई का स्क्वेमस एपिथेलियम है। अगर तुम्हें अच्छे से सब आता है तो तुम्हें कोई ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले ए देखो आरबीसी कहाँ है, इन दोनों के अंदर है, ये दोनों एलिमिनेट कर दो। बी क्या है स्क्वेमस एपिथेलियम है यानी एल्वियोलर वॉल है, सी बेसमेंट सब्सटेंस है, डी आंसर हो जाएगा सबका, सबका हो गया, एकदम बढ़िया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 125 हाउ O2 एंड CO2 गेट ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड, ब्लड में O2 CO2 कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं? O2 ज्यादातर आपका ऑक्सीहीमोग्लोबिन के फॉर्म में, कुछ प्लाज्मा के फॉर्म में। CO2 ज्यादातर बायकार्बोनेट, कुछ कार्बामिनोहीमोग्लोबिन के फॉर्म में, कुछ प्लाज्मा के फॉर्म में, विद द हेल्प ऑफ आरबीसी एंड ब्लड प्लाज्मा, एकदम करेक्ट है। यहां पर ऑक्सीहीमोग्लोबिन कार्बामिनोहीमोग्लोबिन बन जाएगा, यहां पर आपका क्या बन जाएगा प्लाज्मा, प्लाज्मा में डायरेक्ट डिफ्यूजन, डायरेक्ट आपका ट्रांसपोर्ट हो जाएगा सॉल्युबल स्टेट में, और आरबीसी के अंदर आपका बायकार्बोनेट भी बन जाएगा। WBC का इसमें कोई रोल नहीं है, सीरम का कोई रोल नहीं है, प्लेटलेट का कोई रोल नहीं है। उत्तर क्या हो जाएगा? 125 का ए। सिंपल क्वेश्चन था, मुझे लगा थोड़ा डिटेल्ड कुछ पूछेंगे, लेकिन एकदम फुद्दू क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया है। 126 ड्यूरिंग ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीहीमोग्लोबिन एट टिश्यू लेवल लिबरेट्स ऑक्सीजन टू द सेल बिकॉज इन टिश्यू। ड्यूरिंग ऑक्सीजन
ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन एट टिश्यू लेवल लिबरेट ऑक्सीजन, बिकॉज ऑक्सीजन क्यों छोड़ देता है, वो क्यों छोड़ देता है, ऑक्सीजन की टेंशन कम है, CO2 की टेंशन ज्यादा है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मैनेज करना पड़ता है। द ब्लड लिविंग लंग्स हैज ऑल इट्स हीमोग्लोबिन ऑक्सीजनेटेड एंड गिव्स अस ऑक्सीजन टू टिश्यूज, बिकॉज ऑक्सीजन क्यों छोड़ देता है भाई, CO2 आपका ज्यादा, ऑक्सीजन कम, तो ऑक्सीजन आपका टिश्यूज के अंदर लोअर है, CO2 आपका टिश्यूज के अंदर ज्यादा है एज कंपेयर टू लंग्स, तो ये आपका रिलीज कर देगा। ओके, उत्तर हो जाएगा बी। लास्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग वन सर्किट ब्लड फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज एंड बैक, यानी एक सर्किट आपने अगर पास किया है तो द परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन गिविंग अप इट्स ऑक्सीजन टू टिश्यूज इज, कितना परसेंट ऑक्सीजन नीचे उतर जाएगा, कितना परसेंट उतर जाएगा, आंसर क्या है आपका 50%। ये मैंने आपको पहले बताया भी था, आज ही 87-82 क्वेश्चन के आसपास बताया था, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, यहां पर क्या है 50% पर राउंड उतर जाता है, 50% उतर जाता है पर राउंड, ये आपको देखना था, ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा 50% उतर जाएगा पर राउंड। ओके, बाकी आपका स्टोर रहेगा, 50% उतर जाएगा पर राउंड। ये आंसर की मैं गलत दिया हुआ, ए दिया हुआ, इसका बी कर लो, तो सिर्फ इसका आपको बी करना है, बाकी सारी आंसर की करेक्ट है। यार पीछे आपको आवाज आ रही होगी, इन्वर्टर मेरा डेड हो चुका है, पीपीपीपी की आवाज आ रही है, तो मुझे चलना होगा। अगर आप लोग नीट के सीरियस एस्पिरेंट है तो एक बार सिग्मा स्टार 2.0 नाम के क्रैश कोर्स को देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, मैं 2 मिनट के अंदर अंदर आपके नोट्स अपडेट कर रहा हूं, क्योंकि उसके बाद हो सकता है रात को लाइट ना रहे, मैं फटाफट नोट्स अपडेट कर रहा हूं, फटाफट जाके चेक कर लो झटपट, ठीक है। कल सुबह मिलते हैं नए लेक्चर में, अगर लाइट आ जाती है रात को तो मैं आज बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन के क्वेश्चन भी करा दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच यार, टाइम बहुत कम है, मुझे चलना होगा, मैं झटपट निकलता हूं, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बहुत अच्छे तरीके से अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करना, कल सुबह मिलते हैं लेक्चर में, और आज रात को प्रैक्टिस सेशन भी ले लूंगा।